तो चलो भाई बच्चों तैयार हो जाओ, आज आपके सामने शुरू करने वाले हैं हमारी ट्वेल्थ के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर को। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा रही है और ये मेंस और एडवांस दोनों का एक फेवरेट टॉपिक रहा है और जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा चाहे मैं मेंस के अंदर देखूं चाहे मैं एडवांस के अंदर देखूं बेटा बहुत ज्यादा डायरेक्ट रहते हैं और डोएबल रहते हैं। और यार ये तो बात बेटा हमारी सत्य है ही कि पहला प्यार होता है, तो ट्वेल्थ के अंदर आके हमारा जो पहला प्यार होता है बेटा वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ही होता है। इस पूरे चैप्टर को बेटा हम मेन प्लस एडवांस लेवल पे आज लेके जाएंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बेटा आज आपके साथ में रखूंगा जो इस चैप्टर के बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे आपके क्लियर होने चाहिए। कहते हैं कि अगर आपकी नींव अच्छी होगी, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आगे आप एक स्ट्रांग बिल्डिंग को खड़ा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, फटाफट बेटा अपनी अटेंडेंस लगा दें, मुझे चैट बॉक्स में बता दें दैट एम आई क्लियरली ऑडिबल विजिबल कि आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है। और आज बेटा इस सेशन को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से दो बातें चाहता हूं। एक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, बहुत सारे बच्चे इस चैनल पर शायद पहली बार आ रहे होंगे, तो अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हो तो इस सुंदर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये सुंदर से लोग आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा क्योंकि बेटा अब हम बेटा पूरा फुली कन्वर्ज हो चुके हैं हमारे 2024 के लिए। बहुत सारे बच्चे इस बात से थोड़ा सा कहते हैं कि सर 2023 वाले बच्चों का अब हो गया है ना, अब हम पे लगी है, तो लो बेटा जी अब उनको हमने धक्का लगा के उनके कॉलेज में पहुंचा दिया, अब आपकी बारी है, आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक लेके जाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों मैं आप लोगों से ना एक प्रण चाहता हूं, मुझसे एक वादा करिए कि आप रेगुलर रहेंगे। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो इस सेशन को पूरा देखने के लिए आया है तो जरूर आपका स्वागत है इस चैनल में, रेगुलर रहिए, पूरी वीडियोस को ध्यान से पूरा जो भी हमने ये अब सीरीज आपके साथ स्टार्ट की है इसके आप सुने, इसको आप देखें। और अगर आपसे इन केस कोई मिस भी हो जाती है, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं, तो उनको भी कहना चाहूंगा बेटा रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, बिकॉज अगर आप रेगुलर रहेंगे विश्वास के साथ पढ़ेंगे तभी आप एक अपनी बेस्ट आउटपुट यहां से निकाल पाएंगे बच्चों। तो गॉड ब्लेस यू पीपल, बिल्कुल प्रॉमिस, सब बच्चे प्यारे प्यारे टमाटर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, लव ऑल ऑफ यू। और साथ ही बेटा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहां पे थोड़ा और रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट सारी जो है हमारी मिलती रहती है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं सीधा, यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा है ना आज धमाका मचाने वाले हैं, पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और सभी बेसिक से लेके क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स, कुछ क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के बहुत ज्यादा फेमस हैं, रेपिटेटिव नेचर के हैं, जो मेंस के अंदर भी कॉपी हो रहे हैं, आज मैं आपको पहले लेक्चर के अंदर वो सारे स्वाद दिलवाने वाला हूं। तो चलिए मेरे बच्चों तैयार हो जाइए, कुछ बिजली कड़कने वाली है, माहौल है ना बदलने वाला है, सीट की पेटी बांध लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर नाम दिया जाए तो लाइटनिंग अगर हम उसके अंदर ना लें तो ये कहीं ना कहीं है ना बिजली के साथ भी नाइंसाफी होगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, जहाज हमारा उड़ने वाला है। और ये जो लाइटनिंग होती है बेटा, अगेन इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द क्लाउड्स, लीकेज ऑफ चार्ज जो होता है बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे होता है जिसकी वजह से हो पाती है। ये सारी बातें आज सीखेंगे और यार ये एक्सपेरिमेंट तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, मुझे जरा चैट बॉक्स में एक बार फटाफट बताओ यार, किया है ना कुछ स्केल लिया, ऐसे 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 किया, फिर ऐसे कागज के टुकड़ों के आसपास रखा और वो लिफ्ट हो गए, ये सारी सी कहानियां जो आपने सुना, ऐसा ऐसा करने से कुछ चार्ज आ गया, चार्ज की वजह से कुछ फोर्स लग गई जिससे वो अट्रैक्ट हो गया है ना, तो ये सारी सी कहानियां इनके पीछे के कारण, इनके पीछे के रीजंस आज मैं आपके साथ अनफोल्ड करने वाला हूं। ये सर बिल्कुल मेरे बच्चों, तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत से सेशन को, लेट अस स्टार्ट यू नो आवर दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो हो सकता है शायद पेपर्स आपको ना दिख रहे हो बिकॉज फ्लोर भी वाइट है, तो यहाँ पे एक्चुअली पेपर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। तो चलो अब शुरू करते हैं सीधा मुद्दे की बात पे, यार हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा टॉपिक है क्या, आराम से बेटा बैठ जाना, जब मैं आपको कहूंगा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस तो चैट को रोक दीजिए, आराम से बैठ के सुनिए और डेफिनेटली इसको कॉपी पेन पेपर साथ लेके बैठिएगा और साथ साथ अपना जो है अपने नोट्स भी आप बनाते जाएं और चीजों को सुनते जाएं। यार देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा दो शब्दों से बना है, एक हमारा है वर्ड यहां पे इलेक्ट्रो और दूसरा है बेटा हमारा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा हमारा चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल सा डेफिनेशन, इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, एक ऐसी पढ़ाई जहां पे चार्जेस हमारे रेस्ट पे हो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अगला चैप्टर बेटा जो होता है उसके अंदर हमारे चार्जेस नॉटी हो जाते हैं, जब चार्जेस भागने लग पड़ते हैं, तो जब चार्ज हमारे नॉटी हो जाएं, वो मोशन में आ जाएं, चल पड़े, तो अगला चैप्टर हमारा बन जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इनका नॉटी बिहेवियर है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इनका ईमानदारी शराफत वाला जो बिहेवियर है, रेस्ट वाला जो बिहेवियर है वो आपके सामने रखने वाले हैं। यार इस चैप्टर में चार्ज वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, सर चार्ज का मीनिंग क्या है? तो बेटा देखो टेक्निकली अगर मैं तुम्हें बताऊं चार्ज की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसको एक लेमैन में हम डिफाइन करते हैं चार्ज है क्या। स्क्रीन पे आप देखें, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी इज एबल टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। ये कहता है कि यार ये कुछ तो है, इसने बहुत एक जनरल वे में यहां पर डिफाइन किया है, इट इज अ समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ तो है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मुझे भी नहीं है ना, कुछ तो है
जिससे जब ये चार्ज एक बॉडी पे आ जाए बाय वर्च्यू ऑफ विच दे आर एबल टू एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर, जिससे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने लग पड़ते हैं। जैसे स्केल को जब ऐसे किया उसको ऐसे रब करने से कुछ तो हुआ जिससे आप लोगों के स्केल पे कुछ आ गया, एक चार्ज आ गया जिसकी वजह से उसने दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी शुरू कर दी। ठीक है जी, तो इसका बहुत एक बेसिक सा डेफिनेशन चार्ज का आपके सामने मैंने रख दिया है। अब दो तरह का चार्ज होता है, सबको पता है यार, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर टाइम खराब नहीं करेंगे, सबको ये बातें अच्छी तरह से पता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कभी भी चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती। इसका ऐसे यूनिट बच्चों जो होता है वो हमारा कूलम होता है, सीजीएस यूनिट इंपॉर्टेंट है, स्टैट कूलम हमारा सीजीएस यूनिट है। और ये कन्वर्जन फैक्टर बेटा याद रखो, ये कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे काफी टाइम से आया नहीं है बट हाँ कई बार पूछ लिया जाता है। कई बार इक्का दुक्का शिफ्ट के अंदर कुछ गंदे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके अंदर पूछ लेते हैं। तो 1 कूलम जो होता है बेटा वो 3×10⁻⁹ स्टैट कूलम होता है। तो ये बात याद रखनी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एक बॉडी पे चार्ज कितना होगा, 3 कूलम 5 कूलम, ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, डायरेक्शन यहां पे इन्वॉल्व नहीं होती। दूसरा बेटा स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं प्लस माइनस ई। कितना होता है विनय सर? प्लस माइनस ई। और ई की वैल्यू भी बेटा आपके सामने यहाँ पे लिख रखी है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। तो सबसे छोटा चार्ज जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन पे एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई और प्रोटोन पे प्लस ई। और ई की जो वैल्यू है दैट इज 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। चार्ट बॉक्स में बल्ले बल्ले कर दो अगर ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में बिल्कुल बैठ रहे हैं। यस सर। हाँ बेटा, आज हमारा लेक्चर 1 है, इसके 1 शॉर्ट्स का अलग एक वीडियो भी आएगा। हर चैप्टर के हम सब टॉपिक भी जाएंगे, उनके 1 शॉर्ट्स भी करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, टेंशन मत लो। यस सर, यू गाइस विल गेट द पीडीएफ, डोंट नीड टू वरी एट ऑल। ठीक है जी, लाइक जरूर कर दें, बहुत सारे बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें इस खूबसूरत से चैनल को बच्चों। चलो बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। तो यार ये हमारी चार्ज की सबसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली कहानी है। अब बेटा सीधी सी बात है, ये कहानी सबने सुनी होगी कि हमारे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस जो होते हैं रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स देते हैं। ये कहानी सबने सुनी है, इसके ऊपर कोई ऐसा कोई ऐसे वाव वाली फीलिंग तो नहीं किसी को आ रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें वाव फीलिंग दिलाता हूं और मैं तुम्हारे लिए, ये तुम छोटी क्लासेस में सीख के आए हो और वो वाव फीलिंग तुम्हारे लिए ये है जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के। तो उसके लिए बेटा मैंने यहां लिख रखा है, स्टे ट्यून्ड, चैनल पे बने रहें, इसी वीडियो को पूरा एंड तक देखें, अगले 30-40 मिनट्स के अंदर आपको इसका भी आंसर बच्चों मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऐसा क्यों हुआ इसके रीजन मैं भी एक्सप्लोर करूंगा। अब यार चार्ज के बारे में बात की, कुछ चार्ज की क्विकली प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते हैं। 3 प्रॉपर्टीज बेटा इसकी बड़ी फेमस है, एक इसकी एडिटिविटी, दूसरी इसकी क्वांटाइजेशन, तीसरी इसकी कंजर्वेशन। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्ज के ऊपर बात करेंगे। एडिटिविटी का मतलब बहुत सिंपल सा है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है तो नेट चार्ज जो होगा सिस्टम पे वो हमारा एल्जेब्रिक सम होगा। तो एल्जेब्रिक सम का यहां पे सिंपल सा बेटा हमारा मीनिंग ये है कि मैं अगर आपके सामने एक सिस्टम ले लूं, इस सिस्टम में लेट्स से बच्चों हमारे कुछ चार्जेस हैं, एक चार्ज ले लिया बेटा मैंने 1 कूलम, एक चार्ज ले लिया बेटा मैंने लेट्स से 4 कूलम और एक चार्ज बेटा मैंने ले लिया लेट्स से -2 कूलम। और मैं तुमसे पूछूं भैया व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, तो सीधी सी बात है जैसे मैंने आपको बोला चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, जो नेट चार्ज होगा वो सिंपल एल्जेब्रिक सम होगा क्योंकि डायरेक्शन का तो कोई सीन है ही नहीं। तो इट इज 1+4+-2, तो ये सारा अगर आप ऐड कर दो तो ये जो नेट चार्ज है, ये जो नेट चार्ज है विनय सर ये मेरा कितना निकल के आता है, दैट इज 3 कूलम। वेरी सिंपल, वेरी लड्डू, डायरेक्ट टू द पॉइंट हमारी कहानी है। टोकरी में 3 सेब है, 2 आपने और डाल दिए 5 हो गए, 1 आपने निकाल दिया 4 हो गए। जैसे आप वैसे ऐड करते हैं स्केलर, सेम आपको यहीं पे चार्जेस में ऐड करना है। अगला पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए ध्यान से, सेकंड पॉइंट हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सीधी सी बात है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे जब चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा ई का इंटीजर मल्टीपल होगा, प्लस माइनस ई। और एन की वैल्यू जो है ये हमारी एक इंटीजर है 1, 2, 3, 4, 5, इसी को बेटा हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। अब ये क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, मैं आपके सामने सिंपल सी बात बताता हूं। पहले तो डेफिनेशन देख लो, द नेट चार्ज ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, वो ई का इंटीजर मल्टीपल है, मतलब 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e। अब देखो यार इसका रीजन क्या है, बहुत सिंपल सा रीजन मैं आपके सामने बताता हूं। बेटा देखो अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी एक बॉडी पे चार्ज आता है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए बेटा मेरे पास एक बॉडी ए है, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी बी है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मेरे पास एक बॉडी ए है, मेरे पास एक बॉडी बी है। अगर एक दो बॉडीज हैं और ये हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब आप समझिए कि इन दोनों के ऊपर
नेट चार्ज हमारा जीरो है, इनके ऊपर कोई टोटल चार्ज नहीं है। अब नेट चार्ज जीरो का मतलब ये नहीं है कि अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है। इस बॉडी के अंदर लेट से 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ जाएगा -10 ही, और साथ ही साथ बेटा 10 प्रोटॉन्स होंगे। मान लो इस बॉडी के अंदर हमारे एटम्स हैं, तो एटम्स के अंदर क्या होता है आप जानते हैं, जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसके मतलब यह है कि उस बॉडी के अंदर विनय सर देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ये इस बॉडी का माहौल है। ऐसी अगर कोई दूसरी बॉडी है वो भी हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, अगर एक दूसरी बॉडी है वो भी हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ध्यान से सुनिए, तो उसका अर्थ ये हुआ कि उसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में है। तो लेट से यहां पे बेटा, लेट से यहां पे हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो साथ ही साथ लेट से हमारे 12 प्रोटॉन्स भी हैं, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। अब मान लो बच्चों हमने ये दोनों बॉडीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, इफ अ बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इट मींस इट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी पे चार्ज नहीं है इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर नेट चार्ज जो है वो हमारा जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर मात्रा में है, तभी ये बॉडी न्यूट्रल है। अब बेटा जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हो, जैसे स्केल को अगर आपने बेटा अपने बालों पे रब किया, तो उससे होगा क्या, आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे किसी एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी के अंदर। तो मैं लेट से मैंने ए को बी के साथ रब किया, अब किसी एक के इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे, किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स किसी एक से निकल के दूसरे में आ गए। लेट से बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स मेरे बॉडी ए से निकल के बी में आ गए। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी ए से बी में आ जाए, अच्छा एक बच्चा पूछ सकते हैं सर प्रोटोन भी तो आ सकते हैं, बेटा प्रोटोन जो होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ होल्ड किया होता है, प्रोटॉन को तोड़ के बाहर निकालने के लिए फिशन फ्यूजन रिएक्शंस लगती हैं, जो कि बहुत हाई एनर्जेटिक रिएक्शंस हैं, तुम्हारे रगड़ देने से प्रोटॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात मानते हो, अंटिल अनलेस तुम बाहुबली हो, अंटिल अनलेस तुम लोग बाहुबली हो, ये सर। तो प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन हमारे आराम से मक्खन मलाई की तरह निकलते हैं। तो अगर बेटा मैंने इन दोनों को आपस में रब किया, लेट से 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा मेरे निकल के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एंटर कर गए। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, आपका ये जो -10e वाला था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये -10e वाला जो है ये -7e में चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे कम हो गए, और ये जो -12e वाला था ये -12e वाला जो था ये किसमें बेटा कन्वर्ट हो गया, ये हमारा हो गया -15e। आई होप आप समझ पा रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए तो -12e में अगर आप 3 और -3e और डाल दो तो -15e। तो गाइज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, जरा ध्यान से देखिए, अब ये -7e है, ये हमारा बेटा +10e है, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो यू विल गेट अ चार्ज ऑफ +3e हियर, and you if see this thing it is a -15e +12e, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो गाइज यहां पे मेरा आ जाएगा -3e है। तो बड़ी सीधी सी बात है बच्चों, अगर हम किसी बॉडी ए को बॉडी बी से रब करें, अगर ये सारी कहानी मैं आपके सामने कंक्लूड करूं, तो अगर बॉडी ए से बॉडी बी में लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बॉडी ए पे जो चार्ज आ रहा है दैट इज +3e, बॉडी बी पे जो नेट चार्ज आ रहा है दैट इज -3e। आप समझ रहे हो, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो नेट हमारा यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पे बेटा हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए, पहले कैंसिल कर रहे थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए, इट विल गेट -3e चार्ज। और साथ ही बेटा ये बात याद रखना, चाहे एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आए, उसका ओरिजिन सिर्फ एक ही होता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जिनके ट्रांसफर की वजह से ये चार्जेस हमारे क्रिएट होते हैं, और फिर इस बात को सिद्ध किया जाता है जो चार्ज हमारा आया वो आया +-3e। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स जाते तो होता +-4e, 5 जाते तो होता हमारा +-5e। यही वो कहना चाहता है कि जब भी ट्रांसफर होंगे इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर होंगे, या 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, और इसी प्रिंसिपल को कहते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले कर दो, बात समझते हैं, यस सर, फटाफट बल्ले बल्ले बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ये पूरा डिटेल में हम आपको पूरा बता रहे एकदम माहौल के साथ, ताकि एकदम हमारी जो नींव है वो हमारी स्ट्रांग हो। टमाटर सर तो जिंदाबाद हैं ही, मेरे टमाटर हो तुम भी जिंदाबाद हो, यस सर। क्या बात है जी,
तो यही बेटा है हमारा बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यार जब भी हमारा कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और साथ ही साथ बेटा जिसने लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन उसका जो मास है बेटा वो डिक्रीज करता है, और जिसने गेन किए हैं डेफिनेटली बेटा उसका जो मास है वो हमारा इंक्रीज होगा। सीधी बात है, जिसके पास कुछ आया है उसका मास बढ़ जाएगा, जिसने कुछ लूज किया है उसका जो मास है विनय सर वो हमारा कम हो जाएगा। अब ये सिंपल सी कहानी है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर बेटा बात करेंगे। ये हमारी पहली, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन। और हाँ बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा है हमारी कंजर्वेशन। अच्छा, अब कंजर्वेशन बड़ी सिंपल सी है बेटा, एक सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्वड है। इस सिस्टम पे टोटल चार्ज पहले कितना था? जीरो। अब अगर आप फाइनली देखो बेटा, इस पे प्लस थ्री ही, इस पे माइनस थ्री ही, टोटल चार्ज पहले भी जीरो था, टोटल चार्ज बाद में भी जीरो है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत सिंपल कहता है हमारा पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। मैं फिर बोल देता हूं, बॉडी ए को बॉडी बी से रब किया, दोनों का टोटल चार्ज अगर दोनों न्यूट्रल थे तो मतलब दोनों पे टोटल चार्ज जो था वो जीरो था। अब जब मैंने इन दोनों को आपस में रब किया, लेट से बेटा मेरे दो इलेक्ट्रॉन्स मेरे एक से निकल के दूसरे में चले गए, तो अगेन चार्ज गेन्ड बाय ए इज प्लस टू ई एंड चार्ज गेन्ड बाय बी इज माइनस टू ई। तो टोटल चार्ज बाद में भी जीरो है, टोटल चार्ज पहले भी जीरो है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सारे इवन यूट्यूब पे भी मैं देखता हूं लोग और इवन बुक्स भी ये बात हमारी कहती हैं कि एक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो लिखती है ये बात, ए चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये बिल्कुल बेटा बात हमारी गलत है, हमने चार्ज क्रिएट भी किया है और अगर आप इन दोनों को दोबारा आपस में टच कर दो तो ये फिर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, चार्ज हमारा डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। कंडीशन इज ए टोटल चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब टोटल चार्ज कंजर्वड है, इंडिविजुअल चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकता है। मैंने एक बॉडी पे चार्ज क्रिएट भी किया लेकिन अगर क्रिएट प्लस टू ई हुआ है तो माइनस टू ई भी साथ ही हमारा क्रिएट होगा। तो ये बात सिंपल सी याद रखिएगा, हमारी बुक्स लिखती हैं ए चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उससे बेटर स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, इंडिविजुअल चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मैं प्लस टू ई क्रिएट करना चाहूं तो इकलौता प्लस टू ई क्रिएट नहीं होगा, उसके साथ साथ माइनस टू ई भी हमारा क्रिएट होगा। तो ये जब भी क्रिएट होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स में क्रिएट होंगे और जब कभी मरेंगे, सच्चा प्यारा लैला मजनू वाला बेटा है ना, एंड इंडिविजुअल चार्ज, यही मैंने आपको बात बोल दी यहां पे। देखो मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दिया, हर एक स्टेटमेंट आपके लिए ऐड की गई है। तो प्लस टू ई ही क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, अगर प्लस टू ई क्रिएट होगा तो दुनिया में माइनस टू ई भी क्रिएट होगा, क्योंकि अगर किसी ने लूज किए तो कहीं ना कहीं तो गए ना, किसी दूसरे ने गेन किए। तो जब भी क्रिएट होंगे हमारे इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स में होंगे, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स। बल्ले बल्ले कर दो अगर ये पॉइंट अपने को पूरा क्लियर है। यस सर, अरे पूरा करवा देंगे सिलेबस यार, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, जब हम आ ही गए हैं बेटा यूट्यूब पे, आपको बोल ही दिया है कि हम कराएंगे तो कराएंगे ना यार, है ना, टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो सर। अभी भी बैठ के ये सोचोगे यार सर सिलेबस हो जाएगा, मजे लो स्वाद लो जिंदगी के, है ना, हाँ हो जाएगा। एक सवाल आपके सामने दे रहा हूं बेटा, इसका जवाब दीजिएगा, प्यारा सा रॉबर्ट आपसे पूछ रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर बेटा प्लस फाइव ई चार्ज है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर मेरे बंधु कितना चार्ज है? प्लस फाइव ई। सवाल पे पूछ रहे हैं इज इट ड्यू टू एडिशन ऑफ फाइव प्रोटॉन्स। अगर एक बॉडी पे प्लस फाइव ई चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने उसको पांच प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा दिए। आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए, प्रोटॉन्स का तो कोई लेना देना है ही नहीं चार्ज के साथ। अगर किसी बॉडी पे प्लस फाइव ई चार्ज आया है, एक बॉडी पे प्लस फाइव ई चार्ज आया है तो उसने फाइव इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अपने लूज किए होंगे। अगर पांच इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो प्लस फाइव ई आ जाएगा। तो इट इज नॉट ड्यू टू एडिशन ऑफ फाइव प्रोटॉन्स, इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली बेटा, बल्ले बल्ले आगे, बड़े बब्बर शेर बचे हैं यार, सारी बातें समझते जा रहे हैं। अब देखो यार, अब मैं जाने वाला हूं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर, किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। अब कौन कौन से मेथड्स हैं, उससे पहले बेटा हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना है कि किस तरह के मटेरियल्स हम अपनी फिजिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं। तो सबसे फेमस बेटा होता है हमारा कंडक्टर, और सबको पता है कंडक्टर हमारा वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज दैट मटेरियल विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। बाकी ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको उसके अंदर हम उठाएंगे।
कौन कौन से हमारे कंडक्टर्स होते हैं बेटा, सीधी सी बात है, जितने भी मेटल्स हैं ना वो सारे कंडक्टर्स हैं। तो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, कॉपर, गोल्ड है ना, सिल्वर, ये जितने भी हैं हमारे बेसिकली ऑल, ये ना ये सिल्वर आई गेस है ना, तो ये जितने भी हैं हमारे है ना, आप देख लेना, ये हमारे सारे जो है बेसिकली कंडक्टर्स की कैटेगरी के अंदर, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, वैसे दो बार कॉपर आ गया बट समझ लो कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑल दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर बेसिकली कंडक्टर्स। अब सीधी बात है बेटा, इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, तो सीधी बात है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो दीज आर दोज मटेरियल्स विच हैव वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकती हैं बेटा, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिरेमिक हो गया, माइका हो गया, पेपर हो गया, तो ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं डिवाइसेस आप देख रहे हो, ये सारे के सारे हमारे इंसुलेटर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपने कई बार सुना हुआ है, एक बार बस क्विकली दोबारा ब्रशअप करने हैं। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा सेमीकंडक्टर्स। अब ये सेमीकंडक्टर हमारा फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज बेटा इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ दो तीन लेक्चर में ये पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन पक्का आपको मेंस के पेपर के अंदर हर शिफ्ट में मिलते मिलते हैं, तो काफी स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। लेकिन हाँ, अभी के लिए आपको बस इतना जानना है, सेमी का मतलब बीच में, मतलब ये ना ही पूरा कंडक्टर है ना ही पूरा इंसुलेटर है। कंडक्टर हो गया एक एक्सट्रीम, इंसुलेटर हो गया एक एक्सट्रीम, बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्टर बहुत ज्यादा कंडक्ट करेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं यार, लाइफ में मिडिल पाथ हमेशा बढ़िया होता है, कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल विनय सर की बात मानने वाला मटेरियल है, और इसने विनय सर की बात मानी है, इट इज नीदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर, इट हैज नीदर एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है, तो इट हैज फ्यू, तो इसलिए मैंने वर्ड यहां पे फ्यू वहां पे ऐड किया है, फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आपको मैं बात बताना चाहता हूं इसकी इज्जत, अब क्योंकि ये मिडिल पाथ फॉलो करता है तो कुछ प्रॉपर्टी उसकी, कुछ प्रॉपर्टी उसकी, तो इसकी जो इज्जत है आज की डेट में कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों से बहुत ज्यादा है। तो लाइफ में मिडिल पाथ, साइंस आपको लाइफ के लेसन सिखाती है, मिडिल पाथ आपका बहुत बड़ा कारगर होता है। तो यस, इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल मटेरियल्स दीज डेज, इसके बारे में जब पूरा चैप्टर आएगा तब बात करेंगे। बाकी बेटा याद रखो बेटा, जर्मेनियम, सिलिकन, ये जो होते हैं हमारे, दीज आर दी स्पेशल स्पेशली डेडिकेटेड यू नो मटेरियल्स है ना, जिनको हम सेमीकंडक्टर्स का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो सिलिकन, जर्मेनियम, बेसिकली जिनकी चार वैलेंसी होती है ना, सिलिकन, जर्मेनियम दोनों चार वैलेंसी वाले होते हैं, वो बेसिकली हमारे सेमीकंडक्टर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आते हैं बेटा मुद्दे की बात पे, हमारे कौन कौन से मेथड्स ऑफ चार्जिंग हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो तीन मेथड है बेटा हमारे, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, तीन तरह से एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने क्लियर सी बात बताता हूं, जो फ्रिक्शन मेथड है इससे इंसुलेटर्स चार्ज किए जाते हैं, और कंडक्शन और इंडक्शन जो मेथड है, मैं लिख देता हूं, ये जो फ्रिक्शन मेथड है इससे हमारे इंसुलेटर्स चार्ज किए जाते हैं, और कंडक्शन और इंडक्शन से हमारे कंडक्टर्स चार्ज किए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या हम सेमीकंडक्टर्स भी चार्ज करते हैं, तो नहीं बेटा, सेमीकंडक्टर्स का कुछ अलग ही पर्पस है दुनिया के अंदर, तो उनको एक बहुत स्पेशल काम दिया गया भगवान की तरफ से, बट हाँ चार्जिंग में हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ही चार्ज करते हैं। अगर मुझे किसी इंसुलेटर को चार्ज करना है, मतलब वुड, माइका, प्लास्टिक को चार्ज करना है, तो फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करेंगे, और अगर मुझे किसी कंडक्टर को, एल्यूमिनियम को, गोल्ड को, सिल्वर को चार्ज करना है, तो हमें कंडक्शन और इंडक्शन से चार्ज करना पड़ेगा। अब एक एक करके आपको बताता हूं बेटा फ्रिक्शन क्या करता है। सीधी सी बात है बेटा, मैंने लिख भी दिया, इंसुलेटर्स आर चार्ज्ड बाय द फ्रिक्शन मेथड। तो यार फ्रिक्शन बेसिकली बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको भी पहले बताया उसी का ऑफिशियल नेम फ्रिक्शन मेथड है। तो बॉडी ए को बॉडी बी से बेटा रब करो, जब आप इसको आपस में रब करोगे, जैसे मैंने बेसिकली ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, या बेसिकली मैंने बेटा एक स्केल को, ग्लास के स्केल को अपने हेयर से रब किया, तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आप पूछोगे सर ये क्यों ट्रांसफर हुए, क्यों ट्रांसफर हुए, बेटा ट्रांसफर होने का रीजन ही फ्रिक्शन है। अगर मैं इन दोनों को रब करूंगा तो फ्रिक्शन की फोर्स आएगी, उस फोर्स से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे के अंदर चले जाएंगे। तो लेट्स से मैंने जब रब किया, किसी एक से दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बॉडी ए पे चार्ज कितना आ गया, विनय सर बॉडी ए जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसके ऊपर चार्ज आ गया विनय सर प्लस 3e, और बॉडी बी जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जिसके अंदर चले गए इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज आ गया विनय सर माइनस 3e। तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर तब होंगे अगर हमारी फ्रिक्शन लगेगी। तो फ्रिक्शन इज बेसिकली यूज्ड इन इंसुलेटर्स। अब आप पूछोगे सर ये कंडक्टर्स में भी तो कर सकते हैं, अगर मैं दो कंडक्टर्स को आपस में रब करूं तब भी चार्जिंग हो सकती है, तो बेटा बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कंडक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादातर स्मूथ होते हैं। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन लगनी भी तो चाहिए ना, फ्रिक्शन से चार्ज कर रहे हो, मेन उद्देश्य है फ्रिक्शन से चार्ज करना, तो आपस में रफनेस होना इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके सर्फेसिस रफ होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनके सर्फेसिस स्मूथ होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन इतनी लग नहीं पाती।
ठीक है जी। तो इसीलिए ये जो मेथड है ये बेटर सक्सेसफुल मेथड है फॉर द चार्जिंग ऑफ यू नो इंसुलेटर्स। तो सीधी सी बात है, एक एग्जांपल आप देखिए, आपके सामने ग्लास रोड है, ग्लास रोड को सिल्क के साथ बेटा रब किया तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले गए, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और जिसने गेन किए बेटा उसके ऊपर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। और हाँ ये बात याद रखना, ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, अगर एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे बेटा हमारा बेसिकली नेगेटिव है। यस सर, बल्ले बल्ले है, यस सर, डन डन। तो बेसिकली फ्रिक्शन की फोर्स लगती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स, यार ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने ऑर्बिट में होंगे ना, अपने ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को उखाड़ के फेंकने के लिए फोर्स चाहिए होगी ना, तो वो फ्रिक्शन की फोर्स बेसिकली उनको उखाड़ के उनसे निकाल देगी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो मेथड है बेटा दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन से हमें चार्ज करना है। तो सबसे पहली बात बेटा आपको बताना चाहिए, कंडक्शन से हमारे कंडक्टर्स चार्ज किए जाते हैं, इनफैक्ट इंडक्शन से भी हमारे कंडक्टर्स चार्ज किए जाते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है बेटा, मैं आपको सामने सिंपल से एक रूल बता रहा हूं, एक हमारे पास चार्ज्ड बॉडी है, लेट्स से आई हैव अ चार्ज्ड बॉडी, एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी से टच करवाना है, तो ये जब दोनों बॉडीज हमारी कंडक्टर्स होंगी तो बेटा चार्जिंग हमारी बड़ी इजी हो जाती है। तो आप जब एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी से टच करवाओ तो एक चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी में चार्ज फ्लो कर जाता है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने टच करवाया इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया और इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज था बॉडी पे अनचार्ज बॉडी पे आ गया। तो कंडक्शन का अगर मैं सिंपल सी बात भाषा में अगर आपको बताऊं, कंडक्शन का यहां पे मतलब होता है, अगर मैं आपके सामने बताऊं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मैंने एक चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से टच करवाया, चार्ज कंडक्टर से अनचार्ज कंडक्टर में हमारा बेसिकली चार्ज आ गया। अब सीधी सी बात है बेटा, चार्ज फ्लो कर जाए, अब चार्ज एक से दूसरी बॉडी में आ रहा है, चार्ज एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में फ्लो कर जाए तो फ्लो वहीं पे हो पाएगा जो उसके फ्लो को अलाउ करेगा। तो कंडक्टर ही अलाउ करते हैं ना, इंसुलेटर तो फ्लो को अलाउ ही नहीं करता, इंसुलेटर तो चलने नहीं देता। तो इसलिए ये जो मेथड है ये हमारा कंडक्टर्स के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल है। और याद रखिएगा यहां पे सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारे पैदा होते हैं, डेफिनेटली अगर ये पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव ही आना है, अगर ये नेगेटिव होता तो इधर भी हमारा नेगेटिव आना है। अब बड़ी सिंपल सी बेटा मैं आपको एक भाषा में बात बताता हूं, बल्ले बल्ले तो है बिल्कुल आपकी बात, इसमें कोई क्लियर दो राय वाली नहीं है, इसका एक छोटा सा बस एक एक्सप्लेनेशन दिमाग में सुनना, थोड़ा सा और आपको डिटेल में देना चाहता हूं। देखो यार मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ गया, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में पॉजिटिव चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती। तो अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या जा रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है या जा रहा है, उसका मेन जो रीजन है वो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप इसे ऐसे सोचिए, इलेक्ट्रॉन्स की भाषा में हम इसको सिंप्लीफाइड वे में बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की भाषा में अगर आप सोचो, ये बॉडी न्यूट्रल थी, और अगर ये बॉडी न्यूट्रल थी तो इस बात को जरा ध्यान से सुनना, और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बेसिकली इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कई बार सीखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, है ना, बैकग्राउंड सीखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, तो बैकग्राउंड मतलब पर्दे के पीछे, पर्दे पे तो तुम्हें दिख रहा है कि भैया पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा, ये बेटा हमारी एक चार्ज्ड बॉडी है, ये हमारी एक अनचार्ज्ड बॉडी है, इसके साथ जो हमने टच की है, अब इस अनचार्ज्ड बॉडी से, समझ रहे हो मेरी बात को, अब देखो यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इट मींस व्हाट इज हियर, इट इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बॉडी पे मेरे नमूनों पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसीज होंगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। अब ये अनचार्ज्ड बॉडी है, तो ये जो अनचार्ज्ड बॉडी है ये क्योंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलेंगे, और मेरे नमूनों बात समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चलेंगे और इसकी डेफिशिएंसी को खत्म करेंगे। अब देखो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया तो ये इसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, और साथ ही साथ बेटा इधर डेफिशिएंसी, अब यहां से इस बॉडी ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो मेरे ख्याल से तुम शायद समझ गए मैं कहां जाना चाहता हूं, इस बॉडी ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज इट हैज लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे डेफिशिएंसी थी और उस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव ने खत्म कर दिया। देखो अगर यहां पे प्लस ई है तो ये माइनस ई है, खच 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 खच, ये खत्म हो गया, तो बेसिकली इसका पॉजिटिव चार्ज, इसकी डेफिशिएंसी कम होगी, सोच लो डेफिशिएंसी कम होगी तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो देखने में लगा कि पॉजिटिव चार्ज निकल के इधर आ गया। तो सिंपलर वे में बोल देंगे कि भैया पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स अनचार्ज्ड बॉडी से चार्ज बॉडी के अंदर एंटर किए होंगे। बल्ले बल्ले कर दो अगर इस लेवल तक अपने को क्लैरिटी आ रही है।
यस सर, बल्ले बल्ले कर दो, डन है। बाकी एनिमेशन देख लो, अगर ये नेगेटिव चार्ज की रॉड होती तो नेगेटिव चार्ज हमारा इधर आ जाता, ठीक है। तो ऐसी अगर पॉजिटिव चार्ज की रॉड होती तो पॉजिटिव आ जाता। सिंपलर वे में हम बोल देंगे जिससे टच किया वो वाला चार्ज उधर चला गया। बट याद रखिएगा, हर चार्ज के पीछे का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है जी। इतना डिटेल पे बेटा यूट्यूब पे बड़ा स्वाद है, बस जिंदगी के स्वाद लो। अब ऐसे बेटा हमारा अगला जो हमारा मेथड है दैट इज गाइस यू नो चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन का बड़ा सिंपल सा मतलब है, इसमें भी कंडक्टर्स से ही चार्जिंग होगी, लेकिन ये बात याद रखिए कंडक्टर से ही चार्ज करेंगे पहला पॉइंट, लेकिन आपस में कॉन्टेक्ट नहीं होगा। तो इंडक्शन में बस याद रखो है कंडक्टर ही बट कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, है ना, कॉन्टेक्ट। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, जब भी हम इंडक्शन से चार्ज करते हैं तो बेटा हम दो ऑब्जेक्ट्स को लेके करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप देखिए जरा, अब देखो जरा, ये हमारा बेटा एक चार्ज बॉडी है, अब ये सामने इसके अनचार्ज बॉडी है, सामने इसके कौन है विनय सर, अनचार्ज बॉडी, ये भी अनचार्ज है ये भी अनचार्ज है। तो दो, मैं यहां पे दो अनचार्ज बॉडी लूंगा, उसका रीजन अभी आपको पता लग जाएगा। तो मैंने एक चार्ज बॉडी को अगर इनसे टच करा दिया होता तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाता, यस विनय सर। अब मान लो मैंने टच नहीं करवाया, अब इससे होगा क्या, देखो यार यहां पे है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे क्या है विनय सर, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस सर, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉडी के अंदर, ऐसे भी आप सोच के देखो बेटा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमारे ट्रेवल करके इधर आ जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर, देखो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो इधर आ ही जाएंगे बट उसके भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके इधर आ जाएंगे। अब जरा ध्यान से सोचना बच्चों, अगर हम थोड़ी सी भी अकल से सोचें, अगर मैं एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के सामने रख दूं, तो आप समझ रहे हैं बेटा ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो गए, तो ये पूरी साइड हमारी, ये पूरी साइड हमारी नेगेटिव चार्ज होगी और इस तरफ की पूरी साइड हमारी बेटा पॉजिटिव चार्ज होगी, बिकॉज इस पूरी साइड पे हमारी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। इसने इलेक्ट्रॉन, वैसे भी सोचो यार, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, इसके खुद के जो थे वो तो इसके अंदर ही रह गए लेकिन उसके वाले भी इसके अंदर आ गए, तो इसने बेसिकली गेन कर लिए तो इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक बॉडी पे आ गया नेगेटिव चार्ज, एक बॉडी पे आ गया विनय सर हमारा पॉजिटिव चार्ज। और अब आप बेटा जरा ध्यान से सोचिए, अगर मैंने इस बॉडी को यहां से हटा लिया, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, अगर मैंने इस बॉडी को यहां से हटा लिया तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुई है, नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हुए हैं, ये दोबारा मिक्स हो जाएंगे। यार ये नेगेटिव पॉजिटिव से तभी तक बेटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव से बेटा, एक बार जरा फटाफट बताओ आवाज आ रही है, थोड़ा सा यहां पे वायर हल्का सा हिला है, हाँ जी, ये पॉजिटिव नेगेटिव से बेटा तभी तक अलग अलग रह सकता है जब तक ये इसके ऊपर खड़ा है। बिकॉज आप सोचो बेटा, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव को तो अपनी तरफ खींच रहा है, इस नेगेटिव को तो अपनी तरफ खींच रहा है, और साथ ही साथ बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव को इधर फोर्स लगा रहा है, यस सर। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है ये तभी तक है जब तक ये इसके सामने बच्चों खड़ा है, और अगर ये हट गया तो ये दोबारा आपस में मिक्स हो जाएंगे और फिर ये हमारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये एग्जैक्टली बेटा वही वाली बात है, जब तक आप वीडियो में मेरे को देख रहे हो, जब तक मैं तुम्हारे, ये सब प्यारे प्यारे टमाटर हैं, जब तक मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तब तक तो बेटा तुम लोग एकदम से खिंच के तन के पड़ रहे हो, और जैसे बेटा मैं हट गया उसके बाद फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारी खत्म हो जाएगी। तो हम अब इसके आगे क्या करते हैं, इन बॉडीज को देखो, अभी अभी ये मत सोचना ये नेगेटिवली चार्ज हो गए, ये इस वक्त नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन परमानेंट चार्ज करने के लिए आप देखो हर वक्त उसको इसके सामने रख नहीं पाओगे, हटाओगे तो खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, इसके बाद आप इसकी प्रेजेंस में इनको थोड़ा सा सेपरेट करते हो ताकि बेसिकली इनका आपस में कॉन्टेक्ट खत्म हो जाए, ताकि मिक्स ना हो पाए, फिर आप उसे रिमूव कर लोगे। तो मैं एनिमेशन से दिखाता हूं, आप एनिमेशन देखो बेटा, बड़ा मजा आएगा आपको। पॉजिटिव चार्ज की रॉड है, आप साथ लाए, वहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, उसने लूज कर दिए, उधर पॉजिटिव चार्ज, इधर बच्चों नेगेटिव चार्ज, इधर विनय सर नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये तब तक है जब तक ये सामने खड़ी है,
ठीक है जी। अगर मैं इसे हटा लूंगा तो ये दोबारा मिक्स हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी की प्रेजेंस में, इसी की प्रेजेंस में इन्हें स्लाइटली सेपरेट करूंगा, इसी की प्रेजेंस में स्लाइटली बच्चों सेपरेट करूंगा और फिर उसको रिमूव करूंगा। और जब मैं उसको रिमूव करूंगा, देखो उसी की प्रेजेंस में, समझ रहे हो, उसी की प्रेजेंस में स्लाइटली सेपरेट करो और फिर इसे हटा लो, तो फिर हटा लोगे तो नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उधर जो पॉजिटिव होगा वो भी हमारा यूनिफॉर्मली विनय सर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस सर। तो बिना बेसिकली एक तरह से अगर आप देखो बल्ले बल्ले, अगर मैं आपको बताऊं, बिना एक चार्ज कंडक्टर को इन ऑब्जेक्ट्स के साथ टच किए, बिना एक चार्ज कंडक्टर को इन ऑब्जेक्ट्स के साथ टच किए हमने इन दोनों को चार्ज कर दिया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दिस इज गाइस बेसिकली चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप में से बहुत सारे बच्चों का एक और डाउट होगा कि सर आपने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ठीक है ना, आपने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं ना, मैंने बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, दो कंडक्टर्स लिए ना, तो अगर हम दो के बजाय सिंगल लेता तो क्या होता। तो बेटा अगर आप दो की बजाय सिंगल लेते तो थोड़ा सा उस केस में प्रोसेस जो होता है, मैं आपको बताता हूं उस केस का प्रोसेस क्या है। आइए मैं आपको बताता हूं उसका प्रोसेस ये है। अगर मेरे पास ये चार्ज कंडक्टर है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये चार्ज कंडक्टर है, इसके सामने बेटा मैंने एक अनचार्ज कंडक्टर ये रख दिया और एक अनचार्ज, सॉरी अब मैं एक ही ऑब्जेक्ट लेता हूं, है ना, मैं एक ही ऑब्जेक्ट लेता हूं, मैंने अनचार्ज कंडक्टर एक सिंगल ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखो क्या होगा बेटा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की वजह से सामने बेटा हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चों, और इधर बेटा हमारा क्या आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम बेटा, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, अगर मैं यहां पे एक सिंगल बॉडी लेता तो बेटा डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर शिफ्ट होते तो इस साइड पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता, इस साइड पे डेफिशिएंसी हो जाती। लेकिन ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये हमारी एक ही बॉडी पे रहते, तो अगर आप इसको अब हटा भी लो तो ये फिर दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो बॉडी चार्ज नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली बॉडी चार्ज हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं ताकि एक से निकल के दूसरे में एंटर कर जाए, और फाइनली जब मैं इसे हटाऊं, है ना, इसकी प्रेजेंस में जब इन्हें हटाऊं तो फाइनली ये जो बॉडीज हैं ये अपना चार्ज एक्वायर कर ले। तो इसलिए वी टेक टू बॉडीज। अगर सिंगल बॉडी लोगे तो कोई टेंशन नहीं है, उसी के अंदर ही नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, इसी को हम पॉजिटिव इंड्यूस बोल देंगे। तो इसको हम बेटा बेसिकली बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बेटा आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर बेटा मैं यहां पे इसको अगर थोड़ा सा बेटा मैं और आपके सामने स्वाद लूं, ये जो बेटा हमारा नेगेटिव चार्ज है, देखो ध्यान से सुनना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स F1। यस विनय सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, F1 फोर्स अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज सामने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा बाय फोर्स F2, बाय फोर्स F2। और मैं एक बार फिर बेटा क्लियर कर दूं, ये जो ऑब्जेक्ट है बीच में ये न्यूट्रल है, अभी ये चार्ज नहीं हुआ। अगर आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले लो, दो ले लोगे तो चार्ज हो जाएगा, सिंगल ले लोगे तो इंडक्शन से वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ही रहेगा, बस एक साइड पे नेगेटिव आ जाएगा, एक साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। और मेरे बच्चों अगर हम यहां पे नोटिस करें कि इनके बीच में अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये कम डिस्टेंस है, तो अगर इस डिस्टेंस को और कम कर दिया जाए, स्मॉल कर दिया जाए, तो बेटा आप इस बात से सहमत होंगे कि F1 F2 से बड़ी होगी। आपको ये बात अभी आगे जाके मैं बताने भी वाला हूं, कूलम्स लॉ के अंदर जितना चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनके बीच में बच्चों फोर्स लगता है। यानी कि बच्चों अगर मैं इन दोनों का गैप कम कर दूं, अगर मैं इन दोनों का गैप कम कर दूं तो इनके बीच वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी ये ज्यादा होगी। और मेरे बच्चों अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स F1 F2 से ज्यादा हो गई, ये अट्रैक्टिव फोर्स अगर F1 F2 से ज्यादा हो गई, तो मेरे बच्चों आप देख सकते हो इस पूरी बॉडी पे जो नेट फोर्स आ रही है वो उसकी तरफ आ रही है। एंड दिस इज द रीजन दैट अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। बच्चों आपने को मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि आप जब स्केल से पीसेस ऑफ पेपर के पास उस स्केल को रखते हो, देखो आपने स्केल को रब किया तो स्केल चार्ज हो गया, फ्रिक्शन से स्केल चार्ज हो गया, सोच के देख लो। और जब आपने उस स्केल को पीसेस ऑफ पेपर के पास रखा, पेपर के पास रखा, बिल्कुल पास लेके जाते हो, उनके बीच का गैप कम कर देते हो, तो पेपर कैसे अट्रैक्ट हो गया, पेपर तो न्यूट्रल था। तो अब आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट मैं देने वाला हूं, एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, पीसेस ऑफ पेपर हमारे न्यूट्रल है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। एक साइड ऑफ पेपर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब जैसे पेपर ऐसे पड़ा है तो एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरी साइड पे पॉजिटिव आ गया, और अगर बेटा ये नेगेटिव
वाला, इसके साथ अगर डिस्टेंस और कम कर दो तो ये वाली जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी, तो नेट फोर्स हमारी अट्रैक्टिव आ जाएगी, जिसकी वजह से एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। सारी बात आपके सामने मैंने यहां लिख भी दी है, अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। बेटा अगर आप इस बातों से सहमत हैं तो चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले लिख दें, लिख दें बल्ले बल्ले, अगर आप सभी इस बात से बच्चों सहमत हैं। यस सर, डन डन है मेरे बच्चों, कूल गाइस कूल। अच्छा एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सर पेपर तो इंसुलेटर है पर ये मेथड तो हमारा कंडक्टर्स के लिए, तो मैं फिर आपको बात बेटा ये क्लियर कर दूं, अगर हम कंडक्टर से चार्जिंग करें इंडक्शन मेथड से तो उनकी बेहतर चार्जिंग होती है। अब इंसुलेटर्स में भी ये स्लाइटली हो जाता है ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये चार्ज नहीं हो पाते इंसुलेटर्स। ऐसे ही मैं जैसे आपको बोला कि फ्रिक्शन से कंडक्टर्स भी थोड़े बहुत चार्ज हो जाते हैं, इंडक्शन से थोड़े बहुत इंसुलेटर्स भी हमारे पोलराइज हो जाते हैं, लेकिन वीक पोलराइजेशन होती है। बेटर ऑब्जर्वेशन जो आपको मिलेगी, बेटर रिजल्ट्स फ्रिक्शन के आपको इंसुलेटर्स में दिखते हैं, कंडक्शन और इंडक्शन के बेटर रिजल्ट्स आपको उसमें दिखते हैं। लेकिन अगर आपको जेई के पेपर में क्वेश्चन आए है ना कि भैया कौन सा हमारा मटेरियल किस मेथड से चार्ज होगा, फिर नो ब्रेनर है, रियल वर्ल्ड में सब चलता है, लेकिन उस केस में नो ब्रेनर है, उसमें कंडक्टर्स ही आप लिखेंगे इंडक्शन और हमारे कंडक्शन मेथड में, और फ्रिक्शन आप लिखेंगे हमारे इंसुलेटर्स के मेथड में। ठीक है जी, चलो ये बात। और बेटा अब हमारा वो समय आ गया है जब मैं आपके सामने ये रिवील करने वाला हूं कि सर लाइक चार्जेस हमारे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये स्माइली तुम सबके आ रही है, मैं तुम्हें ये प्रूव करने वाला हूं कि लाइक चार्जेस मेरे बच्चों अट्रैक्ट कर सकते हैं यार, समझ रहे हो? ये आ रही है चेहरे पे स्माइली एकदम से मेरे, अच्छा ये हो सकता है, आज तक तो कभी सुना नहीं, तो यस बच्चों इट इज पॉसिबल अंडर अ वेरी वेरी यूनिक सर्कमस्टांसेस, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, अचीव किया जा सकता है। कैसे अचीव होगा आइए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, डोंट वरी। ध्यान से सुनना, मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर वन, मेरे पास एक और कंडक्टर है, कंडक्टर टू, ध्यान से सुनते जाना, दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर से बेटा हमारे लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज है, लाइक चार्जेस है। आगे जाके आपको बताऊंगा भी कंडक्टर पे जितना भी चार्ज होता है वो बॉडी के सरफेस पे ही होता है, कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं होता, उसके बल्क में जो भी चार्ज होता है वो बॉडी के सरफेस पे ही रिलाई करता है। एक और बेटा हमारा कंडक्टर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यस विनय सर, तो ये दो कंडक्टर्स हैं बेटा, दोनों हमारे आपस में लाइकली चार्ज हैं, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो आइडियली तो बेटा आप इस बात से सहमत होंगे कि यार लाइक चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं बाय फोर्स एफ वन एंड बाय फोर्स बच्चों एफ वन, यस सर, है ना, एक्शन रिएक्शन, तो उसने उसको धक्का मारा, उसने उसको धक्का मारा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये सब हम बात जानते हैं। अब अगर ये कंडक्टर्स हैं तो इनके अंदर इंडक्शन भी स्ट्रांग होगी, और मैं आपको फिर ये बात बता दूं बेटा, जितना ये डिस्टेंस कम होता है, जितना इनके बीच का गैप कम होता है, उतना इंडक्शन भी स्ट्रांग होता है, उतना ये फोर्स भी स्ट्रांग होता है। तो अगर मैं इंडक्शन के इफेक्ट्स इंक्लूड करूं तो जरा नोटिस करिएगा बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव का इसके सामने बच्चों आएगा एक नेगेटिव इंडक्शन, और जितना मैं फिर रिपीट कर दूं, जितना ज्यादा बेटा ये हमारा गैप कम होगा, जितना ये गैप कम होगा उतना ये इंडक्शन स्ट्रांग होगा। अगर यहां पे हमारा नेगेटिव इंड्यूस हुआ है, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आएगा, अगर मेरा नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो कहीं ना कहीं बेटा हमारा कंडक्टर की दूसरी साइड पे पॉजिटिव भी इंड्यूस होगा, यस मैंने सर। अब अगर बेटा इस गैप को कम कर दो, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, इस गैप को बेटा अगर मैं कम कर दूं तो ये नेगेटिव बहुत स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि ये जो सारा रीजन है इस साइड वाला, ये सारा रीजन हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाए, पॉसिबिलिटी है। अब अगर ये रीजन सारा का सारा बेटा नेगेटिवली चार्ज हो गया तो आप मेरी इस बात से बच्चों सहमत होंगे, जो मैं जहां तक जाना चाहता हूं बच्चे शायद समझ भी गए होंगे कि सर अगर ये सारे का सारा हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स बच्चों लेट्स से एफ टू,
और साथ ही साथ बेटा ये पॉजिटिव इस वाला जो ये जो इंड्यूस पॉजिटिव आया है इसको रिपेल भी करेगा हमारा लेट्स से बाय फोर्स एफ टू डैश। और बेटा अगर ये गैप कम कर दें तो आप इस बात से सहमत होंगे कि एफ टू हमारा एफ टू डैश से बड़ा होगा। तो बेटा ये अगर इससे बड़ा हुआ और अगर ये इतना हमने स्ट्रॉन्ग अचीव कर लिया कि उसको भी डोमिनेट कर दे तो पॉसिबिलिटी है, मेरी बात समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि ये इसको अपनी तरफ नेट फोर्स से अट्रैक्ट कर ले। बस मैं सीधी सी भाषा में अगर आपके सामने कंक्लूड करूं कि यार अगर ये पॉजिटिव के सामने गैप कम कर दो और ये नेगेटिव बहुत स्ट्रांग आ जाए और डिस्टेंस भी हमारा कम हो तो ये जो अट्रैक्टिव पॉजिटिव जो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो ये फोर्स इतनी स्ट्रांग हो जाए कि ये उस रिपल्सिव फोर्स को भी अगर डोमिनेट कर दे, जितनी भी रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये वाली और वो वाली, उन सभी रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट कर दे तो पॉसिबिलिटी है कि ये नेट फोर्स से इसे अट्रैक्ट कर देगा। तो मेरी बात आप समझो और ये सेम माहौल इसके लिए भी वैलिड है, इसका इंडक्शन इसके ऊपर भी आए और अगेन इसका इंडक्शन जब इसके ऊपर आए तो ये भी इसको अपनी तरफ नेट इस रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट कर दे तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी नेट फोर्स उसकी तरफ ले ले। तो बच्चों दो लाइक कंडक्टर्स अगर बहुत पास पास रख दिए जाएं, लाइक चार्ज हो, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो और बहुत पास पास रख दिए जाएं, गैप उनके अंदर नेगलिजिबल हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो दोनों अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिए बच्चों जो मैं आपके सामने बोलने वाला हूं, लाइक चार्जेस क्या हमेशा रिपेल करते हैं? आंसर है बच्चों नो। इंसुलेटर्स में लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं? आंसर है बच्चों यस। कंडक्टर्स में लाइक चार्जेस रिपेल भी कर सकते हैं, अगर ये अचीव ना हुआ तो रिपेल ही कर जाएंगे, लेकिन लाइक चार्जेस कंडक्टर्स में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, कम है लेकिन एग्जिस्ट करती है। चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले कर दो अगर ये पॉइंट अपने को क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस सर, तो सुपर लेवल बातें हैं बेटा ये सारी, मतलब बहुत कम बच्चों को बताते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं तो बल्ले बल्ले भी करें चैट बॉक्स के अंदर, बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके सारी बातें आपसे डिस्कस की जा रही हैं और यही हमारा बेटा पर्पस है, आपको हर तरह से हर सब टॉपिक लेवल पे भी पूरा तैयार किया जाए। सवाल आपके सामने बच्चों पहला है, विच इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कौन सा टेस्ट? बेटा वन शॉट्स भी आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट नीड टू वरी एट ऑल, ये भी हम कर रहे हैं, वन शॉट्स तो आ ही रहे हैं आपके सामने, ओके, तो जस्ट मतलब पूरा बफे लगा दिया, बस आप स्वाद लेते रहो। विच इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कह रहा है कि कोई बॉडी चार्ज्ड है उसका श्योर टेस्ट कौन है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। बच्चों देखो इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है चार्ज, कि कोई बॉडी चार्ज है। अब आपको यह बात पता है बच्चों कि जो अट्रैक्शन है वो कई बार चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में भी हो जाती है, एक चार्ज्ड बॉडी है और एक अनचार्ज्ड बॉडी है, उनमें अट्रैक्शन हो जाती है। लेकिन बेटा ये बात याद रखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे रिपेल कर रहे हैं तो पक्की बात है बेटा वो हमारा तभी पॉसिबल है अगर दोनों बॉडीज पे चार्ज है, ठीक है, रिपल्शन तभी हो सकती है अगर दोनों बॉडीज हमारी चार्ज कैरी करती हैं। तो रिपल्शन इज दी, है ना, ये बात आपको याद रखनी है, रिपल्शन इज दी, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कि दो बॉडीज चार्ज है उसका कंफर्म जो गारंटी है वो हमें रिपल्शन से मिलती है। अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो हो सकता है एक न्यूट्रल भी हो, तो उससे हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की गारंटी नहीं मिलती। इसी कंसेप्ट के ऊपर बेटा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे अपना आंसर यहीं पे बेटा कमेंट्स के अंदर बेटा बताएंगे, ठीक है जी, इट इज अ होमवर्क फॉर यू पीपल, मैं लिख के भी लाया हूं आप लोगों के लिए। तो कुछ ऐसा ही सवाल है, कुछ पेयर वेयर आपको दे रखे हैं, कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ रिपेल कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए अट्रैक्शन से कुछ नहीं पता चलता, रिपल्शन से गारंटी मिलती है कि बॉडीज के ऊपर चार्ज होता है हमारा, ठीक है, तो इसको ट्राई करिएगा, ऑप्शंस आपके सामने है, बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन है, कमेंट्स के अंदर मुझे अपना इसका जवाब बच्चों दीजिएगा। अब बच्चों इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं हमारे कूलम्स लॉ की तरफ। अब देखो यार बड़ी सीधी सी बात है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया, एक ऑब्जेक्ट पे कैसे कैसे चार्ज किया जा सकता है, फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब मुद्दे की बात पे आते हैं यार, मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं कि जब दो चार्जेस हमारे सामने हैं तो उनके बीच में फोर्स कितनी लगेगी। तो मैं आपके सामने बेटा बड़ी क्लियर कट भाषा में आपको बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 आपस में r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, पहला केस लेते हैं कि दोनों लाइक हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यार ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को विनय सर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये उसे धक्का लगाएगा, ये उसे धक्का लगाएगा, तो इसी को हम रिपल्शन बोलते हैं।
हाँ, अगर ये दोनों चार्जेस हमारे अनलाइक होते, ये दोनों चार्जेस अनलाइक होते, एक होता Q1 एक होता -Q2, तो ये दोनों चार्जेस मेरे बच्चों एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते, वो उसे अपनी तरफ खींचता, वो उसे अपनी तरफ खींचता। तो पहली चीज तो बेटा मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, दिमाग में ध्यान से सुनना, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये हमारी दोनों चार्जेस पे लगती है, ये एक्शन एंड रिएक्शन है, ऐसा नहीं है किसी एक पे लग रही है ना। अगर रिपेल है तो दोनों पे लगेगी ये फोर्स F4F, अट्रैक्शन है तो अगेन दोनों पे लगेगी ये फोर्स F4F। दूसरी बात, ये फोर्स हमेशा लगेगी लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द चार्जेस, इन चार्जेस को ज्वाइन करो और लाइन के अलोंग बेटा हमारी ये फोर्स हमेशा लगनी है। अब लाइन के अलोंग अट्रैक्टिव भी हो सकती है, लाइन के अलोंग हमारी रिपल्सिव भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो इन दोनों को ज्वाइन करो, ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन के अलोंग रिपल्सिव है और उस लाइन के अलोंग बच्चों हमारी फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। और तीसरी चीज बेटा, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो याद रखो, उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 / r². अब यहां पे बेटा मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स दोनों पे लगनी है और कितनी लगनी है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करो, 1/4πε0 Q1 Q2 / r² और मैं ये वैल्यू यहां भी लिख सकता हूं, अगर ये रिपेल कर रहे हैं तब भी इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 / r². अब यहां पे दो तीन बातें हैं बेटा जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज, एक एक करके बता रहा हूं, Q1 और Q2 ये दोनों जो चार्जेस होने चाहिए बेटा, ये हमारे पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये हमारा बेटा वैलिड तब है अगर ये दोनों चार्जेस एक बिंदु की तरह है, पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस का टेक्निकल डेफिनेशन ये होता है कि भैया इन चार्जेस की जो बीच की सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्जेस, मतलब चार्जेस का जो साइज है वो इतना ज्यादा नहीं है, इनके बीच की सेपरेशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे क्या अर्थ हमारे लिए पॉइंट मास है? आंसर है नो, बिकॉज अर्थ पे हम बैठे हैं और हमारी सेपरेशन अर्थ के साथ कुछ भी नहीं है ना, हम तो अर्थ के ऊपर ही खड़े हैं। लेकिन क्या अर्थ सन के लिए पॉइंट मास है? आंसर इज यस, है ना। अब ये मत सोचो अर्थ बहुत बड़ी है, लेकिन यार अर्थ जितनी मर्जी बड़ी हो लेकिन डिस्टेंस अर्थ और सन में इतना ज्यादा है कि अर्थ उस डिस्टेंस के लिए पॉइंट मास मानी जा सकती है। तो बेसिकली डेफिनेशन ये होती है पॉइंट चार्ज की भी एग्जैक्टली वही, कि इनका खुद का जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। दूसरा बच्चों एक बात याद रखना, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ विनेसर फ्री स्पेस। और इसकी बेटा वैल्यू याद रखिए, इसकी वैल्यू याद रखिए, ये होती है 8.8 × 10⁻¹². ठीक है ना, ये एक कांस्टेंट है, इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 8.8 × 10⁻¹² न्यूटन माइनस वन। फोर्स को नीचे ले आओ, एप्सिलॉन इधर ले जाओ, समझ रहे मेरी बात को। तो ये फोर्स नीचे आएगा न्यूटन माइनस वन, मीटर माइनस टू, मीटर माइनस टू कूलम स्क्वायर। तो ये तो बेटा हो गए इसके यूनिट्स, ये तो हो गए हमारी इसके यूनिट्स एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गई बेटा इसकी वैल्यू 8.8, है ना, 8.8 × 10⁻¹². अब आपने इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। दिमाग क्यों नहीं लगाना, बड़ी सीधी सी बात है यार, दिमाग इसलिए नहीं लगाना, जैसे बेटा हमारा पाई एक कांस्टेंट है 22/7, है ना, ई एक कांस्टेंट है 2.712, फाइव एक कांस्टेंट है, टेन एक कांस्टेंट है, वैसे बेटा हमारा ये इस फॉर्मूले में जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा बेटा बेसिकली कांस्टेंट है और इसकी ये वैल्यू आपके सामने, नथिंग मोर देन दिस, नथिंग लेस देन दिस। और ये दोनों चार्जेस अभी फ्री स्पेस में है इसीलिए ये जो वैल्यू है ये फ्री स्पेस की वैल्यू है, मीडियम के अंदर वैल्यू चेंज हो जाती है, वहां पे एक और फैक्टर आ जाता है, अभी आपको एक सेकंड के बाद मैं बताने वाला हूं, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया बेटा एप्सिलॉन नॉट। और अब एक और पॉइंट बस अपने दिमाग में रखना, कई बार हम इस फॉर्मूले को 1/4πε0 की बजाय ऐसे भी लिख देते हैं K Q1 Q2 / r², वेर के इज यू नो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो K जो है इट इज बेसिकली नथिंग, K की वैल्यू अगर आप निकाल लें,
है ना, यहाँ पे अगर मैं आपके लिए लिख दूं, ये जो k है इट इज बेसिकली 1/4πε₀। और बेटा अगर आप यहाँ पे ε₀ की वैल्यू बेटा पुट करें ये वाली, तो ये वैल्यू सॉल्व करके निकल के आती है, ये कैलकुलेशंस में कई बार हमारे काम आ जाती है, 9×10⁻⁹, ये की वैल्यू आती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कितनी होती है विनय सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो k जो है बेटा वो इसके बराबर है, ठीक है जी। तो बिल्कुल यूनिट जो होंगे इसके ऑपोजिट होंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हमारा डिनोमिनेटर में है, 9×10⁹। अब मैं आपके सामने बड़ी क्लियर सी बात बताता हूं बेटा, ये ना सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ऑब्जर्व किया गया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, ठीक है ना। तो पहले सारी स्टोरी बता दी, अब मैं आपको ओरिजिन बताता हूं। कहता है ये जो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगी, ये जो धक्का लगेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर आप इन दोनों को क्लब करोगे तो ये आ जाएगा Q1 Q2/r² प्रोपोर्शनलिटी, हटाओगे तो कांस्टेंट के आ जाएगा k की वैल्यू। ये सारी स्टोरी आपके सामने है। अब मैं सिंपल सी भाषा में बेटा आपके सामने कंक्लूड करता हूं, ध्यान से सुनना। फोर्स कितनी लगेगी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये दो चार्जेस हैं, ये फोर्स इनके बीच में लगेगी, ये फोर्स कितनी लगेगी उसके लिए ये फॉर्मूला है Q1 Q2/r², और फोर्स कैसे लगेगी ये दिमाग से लगा देना। ये फोर्स होगी या तो अट्रैक्टिव या ये फोर्स होगी बेटा हमारी रिपल्सिव, एंड इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगी। चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले कर दो अगर आप इस बात से बच्चों पूरे क्लियर हो, बल्ले बल्ले कर दो। यस सर, बल्ले बल्ले कर दो। डन है। तो ये सारी कहानियां मैंने आपके लिए लिख दी है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, देखो मैंने यहां पर जो वर्ड यूज किया ना, इंटरेक्शन यूज किया, बिकॉज ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है रिपल्सिव भी हो सकती है, तो तभी मैंने वर्ड इंटरेक्ट का बोला कि चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। बिटवीन द टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है, एंड समझ लो ना ये जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड यस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे आप ऐसे सोच के देखो, अगर ये मैं दोनों चीजें क्लब कर दूं तो ये जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r². तो अब आप इसे बेटा ऐसे समझ के देखो कि अगर मैं Q1 को डबल करूंगा तो फोर्स डबल हो जाएगी, मैं Q2 को डबल करूंगा फोर्स तब भी डबल हो जाएगी, मैं दोनों को डबल कर दूंगा तो फोर्स 4 times हो जाएगी, मैं डिस्टेंस डबल करूंगा तो फोर्स 1/4 हो जाएगी। समझ रहे हो? तो जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कमजोर होगी, अब जितना डिस्टेंस कम करोगे आर कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, और यही वो कारण है इंडक्शन के अंदर, जितना तुम गैप कम करते हो उतना वो अट्रैक्टिव फोर्स आपका बढ़ जाता है, ठीक है जी। और दूसरा द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सबसे काम की बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इसी के ऊपर आपको मिलते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये जो भी फोर्स होगी ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही बच्चों हमारी लगेगी। चलो ये हमारी बेटा सारी स्टोरी होगी। अब बेटा सीधी सी बात है, अगर यही चार्जेस Q1 Q2 अगर मैं मीडियम में ले जाऊं तो ये जो फोर्स, मान लो ये दोनों हमारे लाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव नेचर की होगी, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगी। तो फोर्स के फॉर्मूले में बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर k आ जाता है। तो देखो 1/4πε₀ Q1 Q2/r², ये जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है ये एक k का और आ जाता है, ये डायमेंशनलेस चीज है, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ध्यान से सुनो क्या नाम है इसके, दो नाम है, इस k का एक और नाम भी है एप्सिलॉन r। ये जो k है इसको एक और नाम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एप्सिलॉन r, ठीक है। बेसिकली जैसे हमारा एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन के पैरों में बेसिकली सी लगा के यहां पे एक नॉट लिख देते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। यहां पे बेटा जो है बेसिकली एप्सिलॉन के पैरों में एक आर आ जाएगा, ठीक है जी, उसे हम एप्सिलॉन आर कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, इसको हम, इसका जो नाम है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है, वाटर के लिए 80 होती है, किसी और चीज के लिए कुछ और होगी। और हां यार, ये जो 1/4πε₀, ये जो फोर्स है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो फोर्स है इट इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट, के को एप्सिलॉन आर भी लिख देते हैं, Q1 Q2/r². और बेटा ये जो है ना टर्म एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, इसे क्लब करके कई बार हम एप्सिलॉन भी लिख देते हैं, देख रहे हो। तो ये कई बार फॉर्मूला ऐसे भी लिख दिया जाता है, 1/4πε₀ Q1 Q2/r². तो आप मेरी बात को समझ रहे हो बेटा, और एप्सिलॉन का नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो टोटल तीन चीजें होंगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि कांस्टेंट है 8.8 10^-12, दूसरी चीज है एप्सिलॉन आर दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
है ना, जो एक मीडियम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे कई बार हम आप साइलेंट भी लिख देते हैं, इट इज बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका नाम क्या है विनय सर? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है जी, तो बड़ी सीधी सी बात है, मुद्दे की बात अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सारा फॉर्मूला सेम है। तो बेसिकली जो भी फोर्स तुम्हारी एयर में, एयर को वैसे हम एयर भी लिखना गलत है, आइडियली इट इज फ्री स्पेस, मतलब जब वैक्यूम हो दो चार्जेस के बीच में और कुछ ना हो, तो जो भी फोर्स हमारी तब लगती है सेम, अगर वही चार्जेस आर डिस्टेंस पे अगर उठा के सेम चार्जेस अगर हमें डिस्टेंस मीडियम में ले जाऊं, तो बेसिकली एयर की जो फोर्स होती है उसका बाय के हो जाता है, नथिंग एल्स एवरीथिंग गाइस यू नो, बाकी हमारी जो है वो हमारी सेम है। तो ये हमारा बेटा पूरा माहौल है। अब यस, एक और यहां पे आपसे मैं बात डिस्कस करना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा, अगर तो दो चार्जेस हैं तब तो तुम फोर्स लगा लोगे, ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक चार्ज क्यू वन है, एक चार्ज क्यू नॉट है, मेरे पास एक चार्ज मेरे सर क्यू वन है, एक चार्ज क्यू नॉट है, मैं तुमसे पूछूं कि यार ये जो क्यू वन क्यू नॉट है इनके बीच का डिस्टेंस अगर आर नॉट वन है, तो इनके बीच की मुझे फोर्स बताओ बेटा, फोर्स कितनी होगी? तो तुम क्या करोगे? सर बहुत सिंपल है, आर नॉट वन इनके बीच का डिस्टेंस है, तो बड़ी सीधी सी बात है विनय सर, एक काम करते हैं बच्चों, ये क्यू नॉट मैं यहां बना देता हूं, देखो जरा ध्यान से। तो यार देखो ये हमारे तीन चार्जेस हैं और यहां पे हमारा एक चार्ज लेट से बच्चों पड़ा है क्यू नॉट, ध्यान से सुनना बच्चों, ये चार्ज एक पड़ा है क्यू नॉट। अगर मान लो संसार में सिर्फ क्यू वन क्यू नॉट होते तो इनके बीच की जो फोर्स होती बेटा वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगती, और वो जो फोर्स होती वो होती मेरी एफ नॉट वन वेक्टर, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू वन। और अगर मैं तुमसे पूछूं भैया इस फोर्स की वैल्यू क्या होती, तो आपका आंसर क्या होता है मैग्नीट्यूड में, के क्यू वन क्यू नॉट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस होता आर नॉट वन स्क्वायर। अगर तो ये दो होते तो आप अपना फोर्स फॉर्मूला लगा लेते, है ना, ये फोर्स वापस क्यू वन पे भी लगती, पर चलो अभी हमारा मुद्दा क्यू नॉट है तो मैं क्यू नॉट को देख रहा हूं। तो अगर ये दो होते इनके बीच की फोर्स हम निकाल लेते, लेकिन मान लो यार मुझे इस पे फोर्स निकालनी है मल्टीपल चार्जेस की वजह से, तो कैसे निकलती? सर बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस है, इसमें बताने वाली क्या बात है, सर सबकी फोर्स निकाल लेंगे और वेक्टर ले लेंगे, बिल्कुल। तो अगर मैं यहां पे माइनस क्यू टू देखूं तो माइनस क्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस क्यू टू की जो फोर्स होगी, ध्यान से सुनना, माइनस क्यू टू की जो फोर्स होगी बेटा वो होगी लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, है ना, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, और वो अट्रैक्टिव होगी, और उस फोर्स का नाम रख देते हैं एफ नॉट टू वेक्टर, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू टू, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा के क्यू नॉट क्यू टू बाय आर नॉट टू स्क्वायर, के क्यू टू क्यू नॉट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आर नॉट टू का स्क्वायर। और ऐसे ही मेरे बंधु इस क्यू थ्री की क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगी, क्यू थ्री की क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगी, अगेन वो लगेगी लाइन ज्वाइनिंग अलोंग क्यू थ्री क्यू नॉट, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग क्यू थ्री क्यू नॉट, और वो जो फोर्स होगी वो होगी मेरी एफ नॉट थ्री वेक्टर, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू थ्री। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज एफ नॉट थ्री, तो आंसर होगा के Q3 Q0 अपॉन R0 3 स्क्वायर। Q3 की Q0 पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी F इज इक्वल टू K Q3 Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और होगी वो हमारी लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, दैट इज रिपल्सिव इन नेचर। और बड़ी सीधी सी बात है सर, हमें नेट फोर्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो मेरे बंधु जो नेट फोर्स लगेगी नॉट पे, जो नेट फोर्स लगेगी नॉट पे वो इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। यस विनय सर, अब आप में से कितने बच्चों को ये डाउट आ रहा है बेटा, मुझे ऑनेस्टली बताना कि सर आप ये हमें बता क्यों रहे हो, ये तो बहुत कॉमन सेंस और लॉजिकल बात है। कितने बच्चों को ये बात आ रही है मन के अंदर, मुझे सच्ची सच्ची बताना बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू पीपल एक्चुअली फील कि सर ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, इसके अंदर हमें बताने वाली क्या बात है कि सर एक चार्ज पे तीन चार्जेस की फोर्स निकालनी है, इसके लक्ष्य निकाल दो, इसके लक्ष्य निकाल दो, उसके लक्ष्य निकाल दो, अगर ये अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव ले लो, वो रिपल्सिव है लाइन ज्वाइनिंग पे रिपल्सिव, वो लाइन ज्वाइनिंग पे रिपल्सिव, तीनों का वेक्टर सम ले लो। आ रही है ना ये बात, है ना, यहाँ पे ये कौन से भैया हमारे, है ना, अनवीत राजी कह रहे हैं बिल्कुल आ रही है ना। डन, अब मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ यार, ये बिल्कुल जो तुम सोच रहे हो वो सही है, मैं तुम्हें ये ना भी बताऊं ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, बट मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये एक प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल बेटा हमें ये कहता है कि ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं के क्यू वन क्यू नॉट बाय आर नॉट वन स्क्वायर, ये फॉर्मूला बेटा वैलिड सिर्फ तब होता है अगर संसार में सिर्फ हमारा क्यू वन और क्यू नॉट हो, मतलब दो चार्जेस अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करें, उनके अगल बगल में उनकी विसिनिटी में अगर कोई और चार्ज एग्जिस्ट ना करे, तभी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो।
लेकिन यहां पे Q1 Q0 में फोर्स का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनकी विसिनिटी में कुछ और चार्जेस भी पड़े हैं, तो इसका मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली में वैलिड नहीं होता अगर अगल बगल में और चार्जेस भी आ जाएं, बट हम इसे नियरली ट्रू मान लेते हैं। ऐसे ही माइनस Q2 की जो फोर्स लगी वो हमारा ये फॉर्मूला हमने मान लिया, बट ये वैलिड तब होता अगर संसार में माइनस Q2 और Q0 होते, अगल बगल में विसिनिटी में और चार्जेस ना होते। बट स्टिल हमारी मजबूरी है क्योंकि और फॉर्मूला हमारे पास कोई है नहीं, हमने इसे ट्रू मान लिया। तो इसे हम नियरली ट्रू मानते हैं, इसलिए इसे हम बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कहते हैं। और क्या कहते हैं? द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ, मेरे ध्यान बात से ध्यान बात को ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस बाय इंडिविजुअल चार्जेस। जितनी भी चार्जेस इंडिविजुअल हैं उनकी सभी फोर्सेस का जो इंडिविजुअल वेक्टर सम होगा उन फोर्सेस का निकाल लो, तो इंडिविजुअल चार्जेस की जो फोर्सेस होंगी उनका जो वेक्टर सम है वो उस पर नेट फोर्स लगेगी। तो ये हमारा एक तो पहला पॉइंट हो गया। तो बेसिकली पहला पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हमने नियरली वैलिड मान लिया। तो ये देखो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑन अनदर चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहे हैं अगल बगल में जो चार्ज है वो फोर्स उसके इंडिपेंडेंट है, वो फोर्स उसके इंडिपेंडेंट है, वो फोर्स उसके इंडिपेंडेंट है। और ये इंडिपेंडेंट हमने मानी है जबकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो चेंज हो जाती है, बट हम मान लेते हैं क्योंकि हमें हमारा क्वेश्चन सोल्व करना है, सेल्फिश मोटिव है, नथिंग एल्स। तो जो चीज लॉजिकल है वो बिल्कुल लॉजिकल है, बट पता होना चाहिए इसे हम मानकर अप्रोक्सीमेटली ट्रू इस चीज को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। तो चलो बच्चों, जयकारा शैलावरी माता दा बोल साचे दरबार की जय। तो हमारा कूलम्स लॉ का सारा जो थ्योरी था खत्म हुआ। आइए आपके सामने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला आपके सामने है, रीड करो। लेटेस्ट प्रॉब्लम्स जो इस साल हमारे आए हैं आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, करिए। कह रहे दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दे आर सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस d एंड प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। ध्यान से सुनना, दो चार्जेस हैं, हमने उन्हें मीडियम में डाल दिया। तो दो चार्जेस मैं बना देता हूं, एक Q1 है बच्चों, एक चार्ज हमारा Q2 है, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज d, और ये हमारे एक मीडियम में है ना, दे आर इंसर्टेड इन द मीडियम। तो बना देते हैं, दिस इज अ मीडियम, ठीक है जी। तो यार डेफिनेटली इन दोनों के बीच में बेटा फोर्स लगेगी, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और वो जो फोर्स होगी बेटा उस फोर्स की वैल्यू को अगर लिखा जाए वो किसके बराबर है? 1/4 πε0 डी Q1 Q2 बाय, ऐसे करते हैं, 1/4 πε0 के Q1 Q2 बाय डी स्क्वेयर। Q1 Q2 बाय विनय सर, डी स्क्वेयर। यस विनय सर, बात हमारी बिल्कुल सही है। अब वो हमें ये कह रहा है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर। कह रहा है एयर में कितना डिस्टेंस ले ताकि फोर्स हमारी सेम लगे, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब यही सिचुएशन बेटा आपके सामने यहां पे ये कह रहा है कि यार अगर यही चार्जेस हम Q1 Q2 अगर हम एयर में ले जाएं और एयर में अगर डिस्टेंस लेट से हम ले लें डी डैश, एयर में डिस्टेंस हम ले लें डी डैश, तो वो डी डैश कितना लिया जाए जिससे इनके बीच में जो फोर्स लगे वो सेम फोर्स लगे। तो मुझे लगता है यार इस क्वेश्चन में तो कोई दो डाउट है ही नहीं। तो अगर मैं एयर में सेपरेशन डी डैश ले लूं तो एयर में जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? 1/4 πε0 Q1 Q2 बाय डी डैश स्क्वेयर, बाय डी डैश स्क्वेयर। ये सर है ना, एयर में कितनी होगी? Q1 Q2 बाय डी डैश स्क्वेयर, और फोर्स की वैल्यू सेम हो इसको इसके बराबर पुट कर दो। बिल्कुल घटिया सवाल बेटा, कुछ है ही नहीं करने के लिए। और वैसे तो मुझे लगता है ना, अगर आप थोड़ा सा भी अक्कल लगाओ, देखो आपके सामने ये लिखा है 1/4 πε0 के Q1 Q2 बाय डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4 πε0 Q1 Q2 बाय डी डैश का स्क्वेयर। तो अगर मैं इसको आपस में बड़ा इक्वल कर दूं तो 1/4 πε0 कट गया, Q1 से Q2 कट गया, और डी डैश की वैल्यू जो थी ये थी हमारी अंडर रूट के इंटू डी। तो डी डैश जो है ये रूट के इंटू डी के बराबर है।
तो डी डैश जो है वो हमारा बेसिकली रूट के इन टू डी के बराबर है। तो दिस इज गाइस यू नो द मेन थिंग, इतना डिस्टेंस अगर तुम ले लो है ना, सॉरी नॉट बी बॉम्बे, यस ए इज द राइट आंसर, इतना अगर तुम डिस्टेंस ले लो तो बेसिकली तुम्हारा एयर में जो फोर्स है वो सेम हो जाएगा। देख के फीलिंग आती है ना बेटा, बिल्कुल फुल घटिया प्रॉब्लम है, ऑनेस्टली बताइए। और कोई भी समझदार बंदा वैसे भी सोच सकता है सर अगर हमें एयर में बेसिकली जाना है तो बेसिकली हमें के को खत्म करना है तो इस के को उठा के इसके अंदर ही ले जाओ, तो रूट के इंटू डी स्क्वायर, समझ गए ना, रूट के इंटू डी अगर मैं वैल्यू लूँ, रूट के इंटू डी लूँ, समझ रहे हो ना मेरे बच्चों, इतना डिस्टेंस अगर एयर में ले लूँ तो वो बेसिकली हमारी फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो वैसे भी आप सोच सकते थे है ना, आपकी चॉइस है, बट हाँ क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हमारा सही आंसर है, 2023 का सवाल है। और दिखाइए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे। अभी 13 अप्रैल का सवाल है सेकंड शिफ्ट के अंदर, देखो हमारे सामने बेटा एक चार्ज है 10 माइक्रो कूलम का और इसे हमने डिवाइड करना है दो पार्ट्स में है ना। तो एक काम करते हैं, मैं आपके सामने सिंपल सी एक बात बताता हूं, एक चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू के दो हिस्से करने हैं बच्चों, एक हमारा एक्स है और दूसरा हिस्सा लेट्स से हो गया हमारा क्यू माइनस एक्स, ठीक है जी, दूसरा हिस्सा हमारा हो गया क्यू माइनस एक्स। ये कहता है ऐसे हिस्से करो और एक फिक्स डिस्टेंस पे रखो, इनको हमें 1 सेंटीमीटर पे डालना है। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है उसे हम आर कह लेते हैं। तो दो चार्जेस, एक चार्ज के दो टुकड़े करो, इनको एक फिक्स डिस्टेंस पे रखो और ऐसे रखो कि इनके बीच में जो फोर्स हो वो हमारी मैक्सिमम हो। तो अगर मैं इनके बीच की फोर्स की वैल्यू निकालूं है ना, अब देखो सीधी सी बात है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग दोनों पे फोर्स लगेगी एफ और एफ, अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू को निकाल लूं तो इट इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, यस और नो। और मुझे इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो बेसिकली बच्चों आपके सामने बिल्कुल घटिया प्रॉब्लम, एक कैलकुलस का ये सवाल है, एक चार्ज को ऐसे तोड़ो कि उनके बीच में जो फोर्सेस लगे टुकड़ों के बीच में वो जो पार्ट्स हैं वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करें। तो वैसे भी बेटा मैं आपको बात बता दूं, ये आधा आधा आपको बांटना पड़ेगा, ठीक है, वो भी प्रूफ भी कर दूंगा। तो 10 माइक्रो कूलम को आधा आधा तोड़ोगे तो उनके बीच की जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी। वैसे भी अगर आप ओरली सोचो, अगर आप आधा आधा तोड़ोगे तो 5 और 5 टूटा और फोर्स के फॉर्मूले में होता है क्यू वन क्यू टू, तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करो ये आएगा 25। अब मान लो 9 और 1 तोड़ा, सम तो हमारा 10 ही है, तो प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा 9 या आएगा 16 या आएगा 21, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट भी आपको 50-50% करके मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी एक वैसे बात किया जा सकता है, बाकी आप बेटा यहां से भी कर सकते हैं। तो सर ये बेसिकली फोर्स का एक फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर देखा जाए, ये आपके सामने लिखा है k बाय आर स्क्वायर इंटू बेटा अगर मैं x अंदर ले जाऊं qx माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर बेटा इस फोर्स का मैक्सिमा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा विनय सर, इसका डेरिवेटिव लेके इसे जीरो करना पड़ेगा। तो सिंपली बेटा अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो एफ डैश की वैल्यू बेटा वही आ जाएगी, देखो के बाय आर स्क्वायर एज इट इज। आप देखो बेटा अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्यू एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और इसे बेटा उठा के हम कर देंगे विनय सर 0। तो सिंपली बेटा अगर मैं इसे जीरो करूं तो एक्स की वैल्यू जो है वो क्यू बाय 2 आ जाएगी। और ये बेटा याद रखना, अगर आप आधा आधा कर दो, 50-50% कर दो तो आपका आराम से फोर्स निकल आएगा, यस सर, मैक्सिमम फोर्स निकल आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक चार्ज के दो टुकड़े किए जाए जिससे फोर्स मैक्सिमम हो, उसके लिए आपको उसको आधा आधा ब्रेक करना पड़ेगा। एक और सवाल बेटा आपको दिखाता हूं, इसी साल का है हमारा सवाल, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, जेई मेन 11th अप्रैल 2023 का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत है ना, माशाल्लाह प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। हमारे सामने एक फिगर है ना, इसके बाद मैं आपको एक एडवांस का क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो बहुत फेमस और बहुत रेपिटेटिव प्रॉब्लम है। हमारे सामने बेटा एक फिगर है, एज शोन इन द फिगर ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, ये दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, आप देख सकते हो एक क्यू नॉट है, ये भी हमारा क्यू नॉट है ना, इज प्लेस्ड इन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो ये हम एक इंक्लाइंड प्लेन पे हमने रखे हैं और मास ऑफ ईच पार्टिकल भी हमें गिवन है 20 ग्राम। तो मैं आपके सामने बनाता हूं, ये देखो एक हमारा चार्ज हमारा ये है क्यू नॉट है ना, और एक हमारा चार्ज ये है बेटा क्यू नॉट, ये दो चार्जेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हाँ जी विनय सर बिल्कुल दिख रहे हैं, और बेसिकली दोनों हमारे रेस्ट पे हैं है ना, ये मास भी हमें गिवन है, मास इज गिवन टू मी एज 20 ग्राम, लिख देता हूँ मास बेसिकली 20 ग्राम्स के बराबर है, तो यानी कि बेसिकली 20/1000 kg। तो अगर इसे देखा जाए तो ये बेसिकली 50, तो मास की वैल्यू जो आ रही है वो बेसिकली 1/50 kg के बराबर आ रही है, 1/50 kg के बराबर आ रही है, ठीक है जी। एंड अज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द चार्ज एंड प्लेन, तो चार्ज हमारा क्यू नॉट प्लस 2 माइक्रो कूलम है, क्यू नॉट की वैल्यू भी हमें गिवन है प्लस 2 माइक्रो कूलम, ये भी हमें वैल्यू गिवन है, हाँ जी विनय सर बात आपकी बिल्कुल सही है।
अब बड़ी सीधी सी बात है बेटा, assume that there is no friction between the charge and the plane, and for the system of two point charges is to be in equilibrium. हम चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पे रहे, ये रेस्ट पे रहे, ठीक है? तो मेरी बात समझ रहे हो, हमें बेसिकली ये चार्जेस रेस्ट पे रखने हैं, तो ये हमें रेस्ट पे रखना है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, देखो ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, तुम्हारा दिमाग फटाफट ब्लिंक होना चाहिए। ग्रेविटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा हमारा एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, और एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आएगा बेटा हमारा एम जी साइन थीटा। अलोंग इंक्लाइंड प्लेन देखो ग्रेविटी नीचे लगती है, एम जी नीचे लगता है, तो कॉस थीटा कंपोनेंट इधर होता है, साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होता है। इसके अलावा बेटा आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा। अब एक्चुअली ये चार्ज अगर बेटा हमारा नीचे गिर रहा है ना, नीचे नहीं गिर रहा बेसिकली, तो बेसिकली ये जो क्यू नॉट है इसको एक रिपल्सिव फोर्स देगा। ये जो क्यू नॉट है, समझ रहे हो, ये जो क्यू नॉट है ये इसे एक रिपल्सिव फोर्स देगा, और वो फोर्स होगी हमारी एफ। और ये जो फोर्स है ये बेसिकली हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इट इज माय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस और नो बच्चों, बड़ी सीधी सी बात अगर मैं आपके सामने रखूं, ठीक है जी? और हाँ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा जो चीज मिसिंग है मैं आपको बता देता हूं। दिस चार्ज हैज टू बी फिक्स्ड, ये चार्ज हमारा फिक्स्ड है ना, एक चार्ज को बेसिकली फिक्स किया हुआ है, बिकॉज एक्चुअली में तो ये फोर्स बेटा इस पे भी लगेगी, उस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो उससे मोशन दे देगा, तो एक्चुअली में वो या तो फिर यहाँ पे नीचे फ्रिक्शन हो जिससे वो होल्ड पे रहे, है ना? तो बेसिकली दिस वॉज अ लिटल मिसिंग इन द क्वेश्चन, बट हाँ काफी हद तक जस्टिफाइड है सवाल हमारा। हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं, है ना, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेन, है ना? तो या बेसिकली फ्रिक्शन हो तो ग्राउंड के साथ इसकी हो सकती है, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर मैं मुद्दे की बात करूं, मतलब इफ आई अज्यूम दिस टू बी फिक्स्ड, मुझे इसको अगर रोकना है, इफ आई वांट टू कीप दिस बॉडी एट रेस्ट, तो बेटा आपके सामने बड़ी सीधी सी बात है, ये वाली जो फोर्स है मेरी विच इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, इट हैज टू बैलेंस माई एम जी साइन थीटा। अगर मैं ये बात समझ जाता हूं कि ये वाली फोर्स अगर इसको कैंसिल कर दे तो डेफिनेटली बेटा हमारा रेस्ट पे वो आ जाएगा। तो अगर ये हो जाए तो बेटा लाइफ पूरी चिल है। अब आप देखो बेटा दोनों का चार्ज सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूं विनय सर, क्या मैं इसे लिख सकता हूं के क्यू नॉट स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। अच्छा, अब आर भी जरा ध्यान से देखो बेटा, आर हमारा ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज आर, हमें एच निकालना है, हमें एच निकालना है। तो अगर मैं देखो बेटा ये हमारा एच है, इफ दिस इज माई एच, तो आप देख सकते हो एच बाय आर मतलब थीटा के ऑपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज गाइज यू नो साइन 30 degree, तो दैट इज 1/2। तो आर की वैल्यू जो आ रही है बेसिकली वो 2h आ रही है, आर की वैल्यू जो आ रही है वैसे सर वो 2h आ रही है। तो अगर मैं नीचे यहां पे रख दूं, अपॉन 4h स्क्वायर इज इक्वल टू mg इनटू साइन ऑफ 30 degree, mg साइन 30 degree। तो अब बच्चों आप यहां से इसे देखिए, बड़ी मक्खन मलाई की तरह आपकी चीजें निकल जाएंगी। इफ यू सी दिस थिंग, के हमारा हम जानते हैं, क्यू नॉट हम हमारा जानते हैं, क्यू नॉट की वैल्यू आपके सामने है, और M हमें पता है, G हमें पता है, तो इस पूरी इक्वेशन से बेटा हमारा H ही है ना वेरिएबल रह गया। तो बस सिर्फ एक ये हमारा कैलकुलेशन वाला सवाल है, बाकी सारी कहानी हमारी बिल्कुल क्लियर है। और ये बेटा हमारा अच्छा क्वेश्चन है ना, दिस वाज अ गुड प्रॉब्लम, मतलब इससे बहुत इजी प्रॉब्लम्स आपको पेपर के अंदर पूछी गई थी, लेकिन ये तो हमारा बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस साल का, ठीक है जी? तो यहां से देखो, इस साल अप्रैल अटेम्प्ट का ये सवाल है, और आपसे एच की वैल्यू पूछी गई है, एच सॉल्व करना, ये सारी वैल्यूज निकाल के एच की वैल्यू आएगी समथिंग इनटू 10^-3, तो समथिंग की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो भी कैलकुलेशंस आप करोगे आगे मैंने आपके लिए पूरी सॉल्व भी कर दी है। तो एच की वैल्यू जो आती है वो आती है बेटा 300 × 10^-3, ना बेसिकली 0.3 meter आती है, तो 300 × 10^-3, तो एक्स की वैल्यू जब आप रिपोर्ट करोगे अपने आंसर में वो 300 कर दोगे। अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर देना पड़ता है। ये ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में आजकल ना बच्चे आंसर ठीक निकालते हैं लेकिन क्वेश्चन में देखते नहीं कि क्या फॉर्मेट पूछ रहा है ना। तो अगर आपका 0.3 आंसर आया तो 0.3 थोड़ी मार्क करोगे आप देखो किस फॉर्मेट में पूछ रहे हैं। तो 10^-3 का फैक्टर है, कई बार सेंटीमीटर में पूछता है, तो अगर सेंटीमीटर में पूछता तो आंसर देते 30 cm, तो उस केस में आंसर 30 देते, बट ये मीटर में ही 10^-3 का फैक्टर पूछ रहे, तो आप उसे अपना अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यार आज के सेशन का आखिरी सवाल ये मैं आपके साथ डिस्कस अभी करूंगा, जेई एडवांस का फेमस प्रॉब्लम है, ये एडवांस में भी बेटा कई बार रिपीटेड प्रॉब्लम है पीवाईक्यू एडवांस का, और ये हमारा मेंस में भी, तभी मैंने ईयर मेंशन नहीं किया, ये एडवांस में भी 2-3 रिपीट हो चुका है, और ये मेंस के अंदर भी 2-3 कॉपी हो चुका है, ठीक है? तो सबसे वन ऑफ द हॉट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बेटा जो कूलम्स लॉ के ऊपर पूछा गया है वो आपके सामने है। ध्यान से इक्तमान से सुनिएगा, समझिएगा, अच्छा सवाल है, एक एक करके आपके सामने पूरा क्वेश्चन में खोल के रखूंगा।
और हमारा बेटा ये जो सीरीज है इसका पर्पस यही है, आपको सब चीजें डिटेल में मेंस प्लस एडवांस लेवल पे बिल्कुल बेसिक से टॉप तक हम पूरा कन्वर्ट करें। आप देखिए आज के सेशन की फील क्या थी, आज का सेशन हमने बिल्कुल बेसिक चार्जेस की डेफिनेशन से उठाया और उसे हम कहां तक एडवांस का जो सबसे टॉप का क्वेश्चन है वहां तक आज लेके आए। ठीक है, इसी का स्वाद है, स्वाद लेंगे बच्चों। कह रहे दो आइडेंटिकल बॉल्स है, ईच हैविंग डेंसिटी रो, आर सस्पेंडेड बाय अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। बच्चों तो देखो मैं आपके सामने बनाता हूं क्या सिचुएशन है। ये हमारे पास दो इक्वल स्ट्रिंग्स हैं, तो उन स्ट्रिंग से मैंने दो बॉल्स को सस्पेंड कर दिया। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग डेंसिटी रो, दोनों की जो डेंसिटी है वो रो है। तो बेसिकली अगर मैं दोनों की डेंसिटी सेम लेता हूं, लेट्स से इसका मास एम है तो इसका भी मास हमारा एम है, तो मास जो होगा बेटा वो होगा हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अगर मैं इस बॉल का वॉल्यूम वी ले लूं तो ये जो मास है वो बेसिकली वी इंटू रो के बराबर है। एंड व्हाट इज रो, रो इज डेंसिटी ऑफ बॉल्स, रो इज विनेसर डेंसिटी ऑफ बॉल्स। ठीक है जी, तो ऐसे दो ये बॉल्स हैं और ये दोनों चार्ज है, है ना, है ना। ईच हैविंग डेंसिटी रो सस्पेंडेड बाय कॉमन स्ट्रिंग बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड बेटा चार्ज, ये चेंज नहीं है ये चार्ज है। इसे ठीक कर देता हूं थोड़ा सा, ये चार्ज है। ठीक है जी, बाकी आप समझदार लोगों, एंड चार्ज। ठीक है, ये हमारा चार्ज है। अब अगर बेटा इन दोनों बॉल्स पे हम चार्ज भी लगा दें, मतलब इसके ऊपर भी चार्ज दे दूं लेट्स से पॉजिटिव, और इसके ऊपर भी अगर मैं चार्ज दे दूं बेटा पॉजिटिव, तो आप इस बात से बच्चों सहमत हैं? ये एंगल अगर हमारा थीटा तो ये एंगल भी हमारा थीटा, तो आप इस बात से बच्चों सहमत हैं कि इन दोनों बॉडीज पे फोर्स लगेगी एफ, रिपल्सिव फोर्स लगेगी एफ। हाँ जी विनय सर, एफ और एफ है ना, इन दोनों को रिपल्शन मिलेगी एफ और एफ से। इसके अलावा बेटा हमारा इनका अपना वेट नीचे लगेगा एम जी और एम जी। हाँ जी विनय सर, बात आपकी बिल्कुल ये भी सही है। और इसके अलावा बेटा आप लोगों को यहाँ पे टेंशन मिलेगी टी, टेंशन मिलेगी टी, इधर से भी टेंशन इधर से भी मिलेगी विनय सर कितनी टी। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा थोड़ा सा भी अकल लगाऊं, इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, सुनते जाओ पहले आराम से, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भैया मुझे थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? सर बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे किसी भी केस में टेंशन का इधर कंपोनेंट ले लो। तो अगर मैं किसी भी एक बॉल को अगर ऑब्जर्व करूं तो टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है विनय सर वो आएगा टी कॉस थीटा, टी को तोड़ लिया तो जिस डायरेक्शन में एंगल थीटा वहां कॉस थीटा आ जाएगा, इधर कंपोनेंट बेटा हमारा आ जाएगा टी साइन थीटा। इसके अलावा बेटा हमारा नीचे वेट लग रहा है एम जी, और डेफिनेटली इधर हमारी जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है वो लग रही है हमारी एफ। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपके सामने ये साफ साफ आपको मक्खन मलाई की तरह लिखा हुआ दिख रहा है कि सर एक्चुअली में टी साइन थीटा एफ को बैलेंस कर लेगा, टी साइन थीटा एफ को बैलेंस कर लेगा, और जो टी कॉस थीटा है, ये जो टी कॉस थीटा है ये हमारा एम जी को बैलेंस कर लेगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करूं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करूं तो टैन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू जो है वो एफ बाई एम जी के बराबर आ जाएगी। टैन थीटा की वैल्यू मैंने सर कितनी आ जाएगी, एफ बाई एम जी। क्या ये स्टोरी क्लियर हो रही है अपने को? यस सर, चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले कर दो यार अगर यहां तक क्लियर है। तो बेसिकली ये दो स्ट्रिंग्स थी, एक धागे से सस्पेंडेड थी। एक सवाल तो आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज द एंगल, तो एंगल आपके सामने होगा tan थीटा इक्वल टू f / mg, वेयर f इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखनी चाहो तो लिख सकते हो। अगर आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे दूं, अगर मैं आपको ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे दूं तो डेफिनेटली इनके बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है ना। l l ये लेंथ होगी l sin थीटा, वर्टिकल लेंथ होगी l cos थीटा, ये होगी l sin थीटा, तो डिस्टेंस होगा बीच में 2l sin थीटा। तो f की वैल्यू k q1 q2 / है ना l स्क्वायर करके आप अपना वो भी वैल्यू लिख सकते हो, थीटा आ जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, कहता है ये सारा सेटअप मैंने, नाउ बोथ दी बॉल्स ध्यान से सुनना आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, और हमें लिक्विड की डेंसिटी गिवन है सिग्मा। कहता है ये सारा सेटअप हमने अब एक पानी में डाल दिया, और पानी में डालने से थीटा चेंज नहीं हुआ। तो जिस लिक्विड में डाला और थीटा हमारा चेंज नहीं हुआ, और लिक्विड की हमें डेंसिटी गिवन है, उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। सवाल ये है, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, ये क्वेश्चन है।
तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन क्लियर है। मैं इस सारे सेटअप को अब लेके जा रहा हूं पानी के अंदर, आ जाओ। बड़ा ही नजारेदार सवाल है बेटा, मजेदार एकदम, जिसको कहते हैं ना पूरी मैकेनिक्स की तगड़ी फीलिंग देने वाला सवाल है। अब ये एक बेटा हमारा एक सिस्टम है, ध्यान से देखिए, ये एंगल बेटा हमारा थीटा है, ये एंगल भी विनय सर हमारा थीटा है। अब मैं सारा सेटअप हम ले गए एक लिक्विड के अंदर। बेटा फटाफट चैट बॉक्स में बता दो तुम लिक्विड में लेके गए हो, कौन सी एक्स्ट्रा फोर्स है जो तुम्हें मिलने वाली है, कौन सी एक्स्ट्रा फोर्स है जो तुम्हें मिलने वाली है। और ये जो थीटा है ये हमारा सेम रहा, थीटा हमारा सेम रहा। तो सर जी एक बात तो पहले हम क्लियर कर लें कि इस बार जो फोर्स लगेगी हमारी वो एफ नहीं लगेगी, वो एफ बाई के लगेगी। फटाफट बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब तुम लिक्विड के अंदर कैलकुलेट करते हो, किसी मीडियम के अंदर कैलकुलेट करते हो, तो हमारी जो फोर्स होगी एयर की फोर्स का बाई के होगी, है ना। क्योंकि देखो थीटा सेम रहा तो मतलब इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रहा, तो फोर्स पहले थी 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, अब बस एक K का फैक्टर R आ जाएगा, और आ जाएगा, और R हमारा सेम ही है। तो जो भी ओरिजिनल फोर्स थी उसका बाय के हो गया। बच्चों ने चैट बॉक्स में लिख भी दिया, मैं देख पा रहा हूं, हमारी बायोंड फोर्स भी लगेगी। तो यार पानी के अंदर हमें एक अपवर्ड नेट फोर्स मिलती है जिसे हम बायोंड फोर्स बोलते हैं, तो बायोंड फोर्स भी लगेगी। और हां किसने मना किया है, ग्रेविटी भी लगेगी, ग्रेविटी तो धरती माँ का प्यार है, ये भी हमें लगेगी। और साथ ही साथ बच्चों हमारी टेंशन भी लगेगी, धागों में टेंशन तो आनी आनी है, धागों में टेंशन तो आनी आनी है। तो एक्चुअली में अगर हम इसे किसी एक लिक्विड में ले जाएं, देखो हवा में टेंशन एफ और mg, और जब पानी में चले गए तो फोर्स होगी एफ बाई के, और बायोंड फोर्स एक्स्ट्रा हमारी और आ जाएगी बेटा, और थीटा हमारा सेम है। तो बाकी सारी बेटा कैलकुलेशन आपकी लगभग सेम रहेंगी, बस करते जाओ। यार अगर ये एंगल थीटा है, If this angle is theta, तो I hope this is very clear. This is very clear कि विनय सर ये वाला जो एंगल है ये भी हमारा थीटा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा बॉल के कंपोनेंट्स ले लूँ, टेंशन के कंपोनेंट, देखो टेंशन ही टेढ़ी जा रही है, टेंशन को तोड़ना पड़ेगा, तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा विनय सर टी साइन थीटा। इसके अलावा बेटा हमारी बायोंड फोर्स ऊपर लग रही है, यस विनय सर, है ना, और एफ बाई के हमारा बेटा इधर लग रहा है, दिस इज माई एफ बाई के, और यस बेटा इसके अलावा हमारा जो नीचे लग रहा है वो लग रहा है हमारा mg। तो अगर बेटा मैं तुम्हारे सामने इक्वेशंस बनाऊं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है जो हमारा t sin थीटा है, इस बार t sin थीटा है, ये हमारा f by k को हैंडल कर रहे हैं, t sin थीटा f by k को हैंडल कर लेगा। और हाँ बेटा ये टोटल फोर्स ऊपर कितनी होगी, t cos थीटा प्लस बायोंड फोर्स, मेरी बात समझ रहे हो, t cos थीटा प्लस बायोंड फोर्स टोटल अपवर्ड, ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg को बैलेंस कर रही है। बेटा अगर मैं इस बायोंड फोर्स को उठा के उधर ले जाऊं तो आप देखो बेटा आपके सामने ये क्या बन गया, मैं यहां लिखता हूं टी साइन थीटा, बेटा देखो टी साइन थीटा एफ बाई के है, ये हमारा एफ बाई के है, और जो टी कॉस थीटा है, जो टी कॉस थीटा है बच्चों, मैं यहां से अगर निकालूं, इट इज एम जी माइनस बायोंड फोर्स, एम जी माइनस बायोंड फोर्स। और अगर इन दोनों को बेटा आपस में डिवाइड कर दिया जाए, टी का टी से हैप्पी बर्थडे, और टेन थीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज एफ बाई के अपॉन विनय सर एम जी माइनस बायोंड फोर्स। और मेरे बच्चों टैन थीटा हमारा एफ बाई एम जी के भी बराबर है, टैन थीटा मेरा यहां से एफ बाई एम जी के भी बराबर है। और देखो मैं ये सीधा इसीलिए लिख रहा हूं बिकॉज मुझे लगता है मेरी कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो आप देखो बेटा यहां से एफ का एफ से हैप्पी बर्थडे, तो के की वैल्यू बेटा अगर आप निकाल लो तो के की वैल्यू निकल के आ रही है, एम जी को इधर ले जाओ, के उधर ले जाओ, तो इट इज एम जी अपॉन एम जी माइनस बायोंड फोर्स। तो अब हमारा उद्देश्य सिर्फ बेटा बायोंड फोर्स की वैल्यू को डालना रह गया है, अगर मैं वो डाल दूं तो हमारी काम पूरा सेट हो जाएगा। आइए बेटा मिलके डालते हैं। देखो बेटा मास किसके बराबर है, मास है इस बॉडी का, जो मास है मैंने पहले भी, इस बॉडी का जो मास है वो है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो ये जो बॉडी का मास है ये होगा बेटा हमारा वी इंटू रो, है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, साथ में बेटा हमने लिख दिया जी, और ऐसे बेटा नीचे यहां भी एम जी है तो अगेन वी रो जी। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अब ये बायोंड फोर्स बस थोड़ा सा लिखना आना चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा फ्लूइड्स के फंडे याद हैं तो याद रखिए बेटा, अगर हमारी इसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेटा अगर हमारी सिग्मा हमें गिवन है, तो बेटा बायोंड फोर्स जो होती है ये होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसका मतलब है कि ये जितनी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जाने से जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जब आप पानी में एंटर करते हैं तो आपके अंदर जाने से पानी वहां से हटेगा, तो
तभी तो अंदर जाओगे। अगर यहां पे बॉल ना होती तो क्या होता? सर पानी होता। तो अगर बॉल अंदर गई है तो बॉल ने अपनी जगह बनाई है, तो जितना वॉल्यूम इस बॉल का है इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हुआ होगा, हटा हुआ होगा। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट है वो हमारी बाइंड फोर्स है। तो मैं लिख देता हूं, इट इज बेसिकली वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो बॉडी के अंदर जाने से जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उतना जो उसका वेट है वो हमारी बेटा बायंट फोर्स है। और बेटा मैं अगर आपके सामने लिखूं, बड़ी सीधी सी बात है, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है इतना बॉडी का, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है, मेरी बात को अगर आप समझ रहे हो, इतना ही, मैं यही लिख देता हूं, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कर दो इतना लिक्विड का मास डिस्प्लेस हुआ, इंटू जी कर दो इतना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस हुआ। देखो बाइंड फोर्स एक फोर्स है तो वेट है, वेट मतलब एम जी। तो जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कर दो इतना लिक्विड का मास डिस्प्लेस हुआ, इंटू जी कर दो तो उस जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट है वो हमारा बाइंड फोर्स हो गया। तो वी सिग्मा जी इज यू नो गाइज माई वी सिग्मा जी इज यू नो गाइज माई दी बाइंड फोर्स। तो आप देखो बेटा लाइफ चिल है, वी जी वी जी वी जी कट गया और के की वैल्यू आ रही है विनेशर रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये सवाल पूरा संपूर्ण होता है। आई विल स्ट्रॉन्गली सजेस्ट यू पीपल आप इसके रिजल्ट को याद रखें, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, है ना, जो भी है रो माइनस सिग्मा, है ना, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा याद रखें। यहां पर रो जो है फिर मैं आपके सामने लिख देता हूं कि रो इज यू नो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, और सिग्मा जो था वो था हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो कई बार रो सिग्मा स्वैप हो जाते हैं, तो बस याद ऐसे रखो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज यू नो द करेक्ट आंसर गाइस। सो दैट वाज यू नो गाइस द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। यू कैन सी यू नो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर था। बड़ा ही फेमस बेटा प्रॉब्लम था और इसका मैंने एक नटशेल रिजल्ट भी आप लोगों के सामने इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड डाल दिया है, इसे आप याद रखें आएगा। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारा मेंस में और एडवांस में ये प्रॉब्लम हमारा रिपीट हुआ है। तो गाइस आज का पहला लेक्चर हमारा यहीं पे संपूर्ण होता है। जगारा शरावली माता का बोल साचे दरबार की जय। तो आई होप आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। आज हम आपके साथ डिटेल्ड में पूरा मेंस एडवांस लेवल तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आज शुरू किए हैं। ऐसे ही हमारे बेटा टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी चलेंगे और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बोला वन शॉट्स तो आने ही आने हैं, ठीक है नहीं, तो आप वो चिंता मत करिए, वो भी हमारे रहेंगे। और संवाद लीजिए, सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग बस अपना जो है काम ईमानदारी से अपना पूरा करें, लाइक जरूर किया करो तभी आएंगे, है ना। आपका प्यार ही है जो हमें खींच के बार बार लाते हैं, हम आते रहें, है ना, तो उसके लिए हमें भी आपसे बदले में बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब, बहुत सारे बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब दिस एक्सक्लूसिव चैनल ऑफ योर जेई प्रिपरेशन। ये सिर्फ बेटा शुरुआत है, ये सिर्फ माहौल बन रहा है, आप चिंता ना करिए, ये मतलब आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस होने वाला है। कुछ चीजें आपके भोलेपन में हो जाती हैं, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, लेकिन उनके इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं लाइफ के अंदर। तो भोलेपन में चाहे कर दीजिए, लेकिन हाँ करने का इसका जो रिटर्न्स है आपको इन्फिनिट मिलेंगे, ये मेरा आपसे पर्सनल वादा है, ठीक है जी। शेयर भी करो यार ताकि ये कॉन्टेंट हमें भी मदद मिले और बच्चों तक पहुंचाने के लिए। फ्री ऑफ कॉन्टेंट है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टेंट है और ये सब बच्चे इसका फायदा उठा पाए बच्चों, ठीक है जी। कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा कैसा लगता है आपको, आपके लिए हो सकता है यार सिर्फ चाहे एक कॉमेंट हो, लेकिन हमारे लिए वो बहुत एक क्या कहते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी एक वो शक्ति होती है कि बच्चे हमें याद करते हैं, हमें बुलाते हैं, तो हम बार बार आपके सामने आए। कोई और भी अगर आपकी तरफ से कुछ पॉइंट हो जरूर मुझे बताएं। चैट में कई बार थोड़ा सा है ना कई बार पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल बच्चे टेस्ट की बात कर रहे हैं बेटा, आपको सीबीटी मोड टेस्ट भी जैसे जेईई मेंस की थोड़े से पास जाएंगे तो सीबीटी मोड टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो लोड नहीं लेना, जो आप बोलोगे कर देंगे, बस अपना रेगुलर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाकी बच्चों के लिए हम खड़े हैं, तुम हो तो हम है, है ना, हम हो तो तुम हो, तो प्यार का रिश्ता है, तो इसी प्यार को बेटा हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। चलिए बाकी कमेंट्स में बता देना कोई भी अगर आपको और क्वेरी हो। बाय, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय एवरीवन, ठीक है जी, जय माता दी।